इंस्टीट्यूट समाज आ गया बच्चों आपको मेरी। यस मैम। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हाँ मैंने आपके जो है वो मार्क्स अपलोड कर दिए थे बच्चों, ठीक है, पोर्टल से। ओरल जो टेस्ट था हमारा, तो आई होप कि आप सबने देख लिया होगा। पता चल गया आप लोगों ने देखी है? यस मैम देखी है। चले बेटा अभी मैंने वैसे ही आपको थोड़ा लीनियंट रह के मार्किंग चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जरा कॉन्सेप्ट देखे थे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, उसकी बेसिस पे था। बट जो भी हमारा फाइनल वाइवा होगा, मिड टर्म होगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकल स्पॉटिंग होगी, इसके अलावा जितने भी हमारे सेशन होंगे उसमें अब आपने जो है वो इससे अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है। मैंने आप सबने देखा ही होगा तो मैंने आपको इतने ज्यादा मार्क्स नहीं डिडक्ट किए, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट ठीक था तो उसने एग्जैक्ट आंसर नहीं किया तो उसको भी मैंने कहीं ना कहीं कंसिडर किया, ठीक है। बट नेक्स्ट जितने भी अब आपके सेशनल्स हैं, फाइनल होंगे, मिड टर्म होंगे, उसमें आप लोगों के साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है वो अब अपने इसके ऊपर काम करना। तो आज आप लोगों का कोई क्विज था या कुछ ऐसे? बिकॉज आप लोगों में से बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, ऐसा क्यों है बेटा? मैम हमारे मिड टर्म में हाफ से 10 लेक्चर्स आएंगे ना, टिल 12। बेटा अभी तक तो वैसे डिसाइडेड नहीं है, अभी देखें इस वीक में हम 11 लेक्चर्स तो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बिकॉज आज हमारा सीटी का लास्ट लेक्चर है, ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि हम सीटी तक कंप्लीट कर लें, जैसे कि एक्सरे, सीटी और जो इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडियोलॉजी था, ये हम सारा इंक्लूड कर लें। बिकॉज नेक्स्ट जो भी हमारा स्टार्ट होगा, जैसे मैंने एमआरआई स्टार्ट करना है, तो उसमें जो है वो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हमारे अगर 3 लेक्चर्स होंगे तो वो क्लैश ना आ जाए हमारे मिड टर्म के साथ ना, तो अभी तो ऐसे उसको डेट नहीं पता। बट ये है कि अभी तक तो आप जो कि सीटी तक लेक्चर्स हैं, इनके फर्स्ट 10 लेक्चर्स को तो आप 100% प्रिपेयर करें, ठीक है, उसके बाद हम आपसे देखेंगे। मैम टोटल लेक्चर्स कितने हैं हम लोगों के रेडियो के? बेटा अभी तक जो मेरे पास थे वो है टोटल 18 से 20 है, ठीक है। बट मैं उसमें से थोड़ा सा ना सिलेबस को कंसाइज करी, बिकॉज रेडियोलॉजी एक थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, आपको उसमें पीछे से एनाटॉमी भी आती है, पैथोलॉजी भी आती है, बहुत सारे पीछे से क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर ना, ऐड हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है जो कि आपके डिपार्टमेंट से कंसर्न है या जो कि आपके लेवल तक कंसर्न है, मैं आपको वही पढ़ाऊँ, ठीक है। इसीलिए देखिए आपको मैंने बहुत ज्यादा, अदरवाइज अगर हम देखें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा प्लेन में सीटी और एक्सरेज के व्यूज होते हैं, बट मैंने आपको बहुत ज्यादा वो डिटेल में नहीं किया, ठीक है। अदरवाइज आप में से किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आना तो हमने थोड़ा सा इसको बेसिक भी रखा है। मेरी आगे भी कोशिश ये है कि जो बेसिक पार्ट है उसको ही हम थोड़ा सा जो कैबू करें, और मैंने आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी है एलएमएस के ऊपर ना। तो अभी तक जितना बेटा हमने पढ़ लिया है ना, जो सीटी का पार्ट पढ़ लिया, वहां से आप देख लें कोर्स आउटलाइन में सारी चीजें कवर हो रही है आपकी, ठीक है। इसी तरह से मैंने आप सब लोगों के लिए एलएमएस के ऊपर कोर्स जो लर्निंग आउटकम्स थे वो जो है मैंने किए हुए हैं, अपडेट किए हुए हैं, ठीक है। बेटा जब भी आपने कोई लेक्चर पढ़ना है तो एट द एंड ऑफ लेक्चर आपने सारे उन पॉइंट्स को रिवाइज करके देखना कि ये मुझे क्लियर हो गया, ये पॉइंट मेरा क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो इट मीन्स कि आपको उस लेक्चर के ऊपर फुल कमांड नहीं है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट होगा ऐड हो गया। कुछ स्टूडेंट्स को जिनको मेरी मेल नहीं आती, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग के लिंक सिर्फ ड्राइव पे है, मैं जो है वो इंशाल्लाह इसको आपके एलएमएस के ऊपर भी जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि अगर आपको मेल नहीं आ रही तो आप एटलीस्ट जो है वो वहां से देख लें। मुझे बताते बेटा कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो न्यू है, जो सेक्शन चेंज करके आई थिंक निशा थी एंड राबिया रियाज है, निशा अफजल एंड राबिया रियाज क्लास में है, निशा भी नहीं है एंड राबिया भी नहीं है आई थिंक। एनीवेज बच्चों लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा, समझ आई? हमने जो पढ़ा था पेरिफेरल रीजन के सीटीज पढ़े थे। यस मैम समझ आई है? यस मैम। अब आप रिपीटेडली पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली अगर मैं आपसे स्पॉटिंग में पूछती हूँ या एग्जाम में वो स्लाइड सामने आ जाती है तो आप इजीली जो है वो उसको डायग्नोज कर सकेंगे, ठीक है। आपने जिस लेवल पे पढ़ा है आपने देखा होगा, ओरल टेस्ट में भी मैंने आपसे कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं पूछी है, जो आपके लेवल पे जितना हमने पढ़ा है, जितना कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए उसी लेवल पे पूछे। बट स्टिल उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने ब्लंडर्स किए थे। एनीवेज बच्चों आज जो है वो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, दूर से आ रही है। दूर से आ रही है, चलें वेट करें मैं इसको। ओह जस्ट हेल्प।
बेटा अब बताए, अब ठीक हुई है मेरी आवाज? जी मैम ठीक है। जी जी मैम क्लियर है। अच्छा बच्चों, अब लास्ट में जो है वो मैंने आपको बताया था कि अपर लिम्ब लोअर लिम्ब के जो हमने सीटी के सेक्शंस पढ़े थे, ठीक है, डिफरेंट मैंने आपको बताया था किस तरह से क्रॉस सेक्शन स्टडी होती है। और मैंने आप सब बच्चों को कहा था कि बेटा आपने सबसे पहले जो भी किसी भी रीजन का सीटी हमने करवाना होता है तो एक प्लेन रेडियोग्राफ करवाते हैं। उस प्लेन रेडियोग्राफ के ऊपर पहले हम उसकी फाइंडिंग्स देखते हैं, ठीक है, कि क्या हमें ग्राफ नजर आ रहा है रेडियोग्राफ में, एक्सरे में। फिर उसके बाद हम एक फील्ड ऑफ विजन जो है उसको डिसाइड करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कट सेक्शंस होने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उस लैटिस के ऊपर जो है वो फर्दर स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट रेडियोलॉजिकल मोडेलिटीज हैं जो कि हमें क्रॉस सेक्शनल स्लाइसेस में इमेजेस दे रही हैं, उसको लेके हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है वो करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग रिसर्च करना चाहें कभी तो उसमें ये जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है ये हमें हेल्प करनी होती है, ठीक है जी बच्चों। सो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है बेसिकली ब्रेन सीटी, ठीक है जी। ब्रेन का अगर हमने सीटी करना हो तो जो है वो उसके किस तरह से हमें क्या क्या जो है वो नजर आएगा, ठीक है जी। और उसके अलावा बिकॉज मोस्टली आप लोग यहाँ पर डिप्टी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास स्ट्रोक का बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली आपके ब्रेन के साथ आपकी फुल बॉडी जो है वो इंक्लूडेड हुई है, ठीक है। आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आपका जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। फिर हम स्पेशल बच्चों में बहुत ज्यादा काम करते हैं, सीपी चाइल्ड आ गया है, जितनी भी जो है वो कोई एपिलेप्टिक चाइल्ड आ जाता है, कोई भी और जो है वो जितनी भी हमारे पास डेफिसिट्स होते हैं न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, उन सबके पेशेंट जो है वो आपके पास आते हैं। बिकॉज आपने उस पेशेंट की किसके ऊपर काम करना होता है, रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। तो पेशेंट डेफिनेटली जो भी किसी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आएगा उसको वो आपके पास अपना सीटी जो है वो जरूर लेके आएगा, ठीक है। वैसे तो सीटी के ऊपर पूरी साथ रिपोर्ट होती है और रिपोर्ट के ऊपर फाइंडिंग्स लिखी होती है, बट बीइंग जो है वो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट आपको जो है वो खुद से भी जो है वो उसको पता होना चाहिए कि ये जो ये रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए इंशाल्लाह आज हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम फाइंडिंग्स देखते हैं, क्या बेटा इंडिकेशंस होती हैं जब हमने ब्रेन सीटी करवाना होता है टू डायग्नोज न्यूरो इन्फेक्शंस एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। कोई हमें लगता है कि न्यूरोनल सेल्स में या ब्रेन में कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि मेनिनजाइटिस है या और बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, ठीक है, ड्यूरा मैटर में या कहीं और इन्फेक्शन है, तो उसको स्प्रेड वो किसका कितना स्प्रेड है, ठीक है, उसको डायग्नोज भी करने के लिए, या अगर वो डायग्नोज ऑलरेडी है तो फिर फर्दर कितना वो जो है वो स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है। स्ट्रोक टू डिस्टिंग्विश इंफार्क्ट फ्रॉम हेमरेज, ठीक है जी। अब स्ट्रोक जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे हमारे पास पेशेंट स्ट्रोक के होते हैं, तो अगर उसमें भी हमने उस केस में देखना हो कि किस लेवल पे जो है वो पेशेंट का स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, कौन सी कोई मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, उसमें कहीं क्लॉट आया है, वहां पे कोई हेमरेज हुआ है, ठीक है, या कौन सा एरिया जो है ब्रेन का जिसमें आपके पास क्या हुआ है इंफेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो डेफिनेटली हमें सीटी करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखा बेटा अब आपको पता है कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज हैं, एक आपका स्पीच कंट्रोल कर रहा है, एक आपका जो है वो आपके विजन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एक हमारे जो है वो जो सीवीएस के सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है, तो डिफरेंट एरियाज है और वो डिफरेंट जो है वो बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एरिया इन्वॉल्व हुआ होगा उसका फंक्शन जो है वो पेशेंट के अंदर हमें डिस्टर्ब नजर आएगा। सीटी एनजीओ बिफोर थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है जी। अब इसी तरह से हम सीटी भी ब्रेन का अगर सीटी हम करना है तो उसके लिए एक और रीजन ये हो सकता है कि थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है, यानी कि अगर हमें लगता है कि कहीं भी क्लॉट बन चुका है और उसकी हमने उस क्लॉट को डिसॉल्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता होना जरूरी है। जैसे बच्चों मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक क्रेनियोटमी हमारे पास सर्जरी होती है जिसमें हम ब्रेन के जो भी जो स्कल है स्कल बोन्स को हम ओपन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई क्लॉट पड़ा होता है ट्यूमर पड़ा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं या सर्जिकल उसके इंसर्जन कर देते हैं, ठीक है, वहां से एक्साइज कर देते हैं और उसके बाद दोबारा वहाँ पे अब बोन्स को जो है वो सुचर करके आप स्टिच कर देते हैं, ठीक है। तो वो उन सब सर्जरी से पहले हम सीटी ब्रेन करवाएंगे, सीटी वेनोग्राम फॉर सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है जी। सेरेब्रल जितने भी सेरेब्रम में या सेरेब्रम में हमारे पास वेन्स हैं अगर वहां पे कोई आपको लगता है कि थ्रोम्बस बन चुका है तो उसके लिए भी हम सीटी ब्रेन करवाएंगे। एक्यूट चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, ठीक है जी। अब आपके पास कोई पेशेंट इस तरह का आया है जिसको आपको लग रहा है कि उसकी अलर्टनेस ओरिएंटेशन इन स्पेस खराब है, ठीक है जी, उसकी मेमोरी लॉस होती जा रही है और ये सारी चीजें एकदम से सडन आना शुरू हुई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें पता चलना चाहिए कि ब्रेन में जो है वो क्या डेफिशिएंसी हो रही है या क्या डेफिसिट हो रहा है या कौन सा टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट में ये सिम्टम आना शुरू हो गया है। फोकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक है, फोकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या है कि स्पेसिफिकली जो अगर ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व्स में कहीं ना कहीं कोई इम्पेयरमेंट आ रही होती है तो आपके बॉडी के अंदर उसके डिफरेंट साइंस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है,
जैसे कि आपको पता है कि जहाँ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा वहां पेशेंट को नमनेस, टिंगलिंग, वीकनेस, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि पेशेंट के अंदर ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ रहे हैं या हमें फाइंडिंग्स मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको रूल आउट करने के लिए सीटी करवाएंगे। देन ट्रॉमा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हेड ट्रॉमा है या कोई और ट्रॉमा के केस में जिसमें स्पेसिफिकली हेड इंजरी होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ब्रेन सीटी की तरफ जाते हैं। देन सस्पेक्टेड सबअरेथमॉइड हेमरेज, ठीक है जी, हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में देखते हैं डिफरेंट टाइप के हेमरेजेस होते हैं, उसके लिए हम करवाते हैं। सीएनएस ट्यूमर्स, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि ट्यूमर्स जब भी ब्रेन में होते हैं तो उसको डायग्नोज भी करने के लिए, और अगर हमें उसको सर्जिकली, उसकी इंटरवेंशन करनी है, सर्जरी करनी है, रिमूव करना है, तो उससे पहले भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए हम ब्रेन सीटी करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारी जो है वो हमारी इंडिकेशंस है, और जब आपसे बच्चे वाइवा में पूछा जाता है कि क्या इंडिकेशंस है, तो आप लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई करके आंसर को दिया करें, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि मैम हेमरेज ये, आप मुझे बताएं कि सबअरेथमॉइड हेमरेज हो सकता है, सीएनएस के ट्यूमर्स हो सकते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो सकती है। मतलब आप बेटा जब स्पेसिफाइड आंसर करते हैं ना, तो आपके ऑटोमेटिकली फुल मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से देखा करें। अच्छा, ये होगी बच्चे हमारे पास इंडिकेशंस, नॉर्मल न्यूरो एनाटॉमी एज सीन ऑन द हेड सीटी स्कैन। अच्छा, अब नॉर्मल न्यूरो एनाटॉमी आप सब लोग जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक थोड़ा सा मैंने बीच में पिक्चर्स ऐड की है ताकि आपको जो है वो जो थोड़ी सी आपके सिटी से रिलेटेड बातें हैं, ये पॉइंट्स हैं, वो आपको रिवाइज हो जाए। अच्छा, अब आप सबको पता है कि हमारे पास फोर लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सिपिटल लोब, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो डिफरेंट सल्काई होते हैं, ये फिशर्स होते हैं जो उनको सेपरेट कर रहे होते हैं, उसका भी हमें पता है। पैराइटल एंड फ्रंटल के दरमियान में सेंट्रल सर्कस है, ठीक है जी। उसके बाद पैराइटल एंड ऑक्सिपिटल के दरमियान में हमारे पास पैराइटो ऑक्सिपिटल सर्कस है। फिर इसी तरह से जो है वो ऑक्सिपिटल एंड टेम्पोरल के दरमियान में प्री ऑक्सिपिटल नोच है, ठीक है जी। इसी तरह से फ्रंटल और टेम्पोरल को जो सेपरेट कर रहा है, दैट इज बेसिकली द लैटरल फिशर, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये बातें तो हमें सारी ऑलरेडी जो है वो पता है, और ये अब आपको जब आपने ब्रेन सीटी देखना है तो ये सारी बातें आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप जो है वो एक्सरे देख रहे हैं, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि रेडियल हेड जो है वो कहाँ पे है, ठीक है ना, और आप अपर लिम को लोअर लिम और लोअर लिम को अपर लिम कंसिडर करोगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप एक्सरे डेफिनेटली गलत देखेंगे। तो इसलिए बेटा ये थोड़ी सी एनाटॉमी अपनी आप लोग साथ साथ रिवाइज करते रहा करें। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये तो हमने सारा देख लिया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जब क्रॉस सेक्शन में जाते हैं, अब आप लोगों ने जब पढ़ा होगा ब्रेन, तो आई होप कि आपके हमारे पास यहाँ जो मॉडल पड़े हुए हैं ब्रेन के, जिसमें ये क्रॉस सेक्शनल व्यूज भी हैं, ठीक है। आप सब लोगों ने देखे होंगे, कॉर्पस कैलूजन है, इंटरनल कैप्सूल होता है, फिर आपके पास जो हमारे पास मिड ब्रेन नजर आ रहा होता है, ठीक है, सेरिबेलम आपको सेपरेटली क्रॉस सेक्शन में कैसे नजर आता है, तो ये सारे आप लोगों ने आई थिंक जो है वो क्रॉस सेक्शन इस तरह का ब्रेन का ऑलरेडी देखा हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम सीटी करेंगे तो हमें इस तरह का स्लाइस जो है वो सामने नजर आ रहा होगा, जिसके साथ साथ आप उसको कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, कंपार्टमेंट्स, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, अगर आपको याद है कि लोअर लिम में भी जैसे हमने कंपार्टमेंट बनाए होते हैं, अपर लिम में भी हमने क्या किया होता है, कंपार्टमेंट बनाए होते हैं, ठीक है ना। इंटीरियर कंपार्टमेंट में ये वाले मसल्स हैं, पोस्टीरियर में ये वाला ग्रुप ऑफ मसल है, लैटरल में जो है वो ये वाला ग्रुप ऑफ मसल है। इसी तरह से हम जो है वो ब्रेन को भी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सुप्रा टेंटोरियल एंड इंफ्रा टेंटोरियल, ठीक है जी। अब ये दो रीजन है, एक सुप्रा टेंटोरियल, एक इंफ्रा टेंटोरियल है। अच्छा, उसके बाद एक सेकेंड, जो सुप्रा टेंटोरियल है उसमें आपके पास क्या आएगा, सेरिब्रम, लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल आएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास है इंफ्रा टेंटोरियल, उसमें हमारे पास आपको पिक्चर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाए, देखें, ठीक है। ये हमारे पास टेंटोरियम हो गया, ठीक है, जो कि सेरिब्रम और सेरिबेलम को जो है वो क्या कर रही है, लेयर सेपरेट कर रही है, ठीक है। अब ये है हमारे पास सुप्रा टेंटोरियल, और ये है हमारे पास कौन सा, इंफ्रा टेंटोरियम, ठीक है। तो सुप्रा टेंटोरियम में हमारे पास क्या आ रहा है, सेरिब्रम, लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल आ रहा है, ठीक है। और इंफ्रा टेंटोरियल में हमारे पास क्या आ रहा है, सेरिबेलम आ रहा है, ठीक है। आपके पास ब्रेन स्टेम आ रहा है, ठीक है, और आपके पास क्या आ रहा है, साथ फोर्थ वेंट्रिकल नजर आ रही है आपको, ठीक है, और साथ फोर्थ वेंट्रिकल नजर आ रही है। तो ये अब आपने थोड़ा सा बात याद रखनी है, ताकि जब हम आगे जाके जो है वो पढ़ते हैं तो ये आपको पॉइंट
क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब ये अगेन वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ब्रेन को कितने जो है वो कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो पिक्चर अगर आपको याद रहेगी तो बड़ा इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये टेंटोरियम है, ऊपर वाला सुप्रा टेंटोरियल है, उसमें कौन से रीजन है, और जो उसके नीचे वाला है वो क्या है, इन्फ्रा टेंटोरियल रीजन। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है कि बेसिक अगर हम देखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सरे पे हमें एयर किस तरह नजर आएगी, सॉफ्ट टिश्यू किस तरह नजर आएगा। ठीक है, फिर हमने इसको जो है वो देखा कि ग्रे स्केल हमारा जो यूज हो रहा था सिटी स्कैन का लोअर लिम के लिए या पेरिफेरल्स के लिए, ठीक है, उसको हमने देख लिया था। अब बच्चों जो कि हम जब ब्रेन में आ जाते हैं तो उसके लिए क्योंकि आपको पता है सिटी में अगेन वही एक्सरेज ही यूज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है कि हम ब्रेन को जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं एक रेफरल डेंसिटी में। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि ब्रेन के जो है वो किस तरह का नजर आएगा, वो आइसोडेंस नजर आएगा। आइसोडेंस का क्या मतलब है कि ना ही उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी और ना ही उसकी डेंसिटी बहुत लो होगी। ठीक है, यानी कि वो आपका जो है वो माइल्ड ग्रे सा या डार्क ग्रे सा, माइल्ड ग्रे सा आप कह सकते हैं कि वो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास है जो एरियाज जिनकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है, हमको हम कहेंगे हाइपर डेंस। ठीक है, और वो हमें कैसे नजर आएंगे, वाइट अपीयरेंस के नजर आएंगे। ओके, और वो एरियाज जिनकी डेंसिटी होगी कम वो हमें नजर आएंगे डार्क। ठीक है, मतलब डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, तो किस तरह नजर आएंगे, वाइट नजर आएंगे। अगर डेंसिटी कम होगी तो हमें किस तरह नजर आएंगे, वो डार्क नजर आएंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह का नजर आएंगे। हाइपर डेंस में हमारे पास कौन सा है, स्कल है। ठीक है जी, स्कल आपको किस तरह का नजर आएगा, व्हाइट कलर का नजर आएगा। आपने बाकी भी देखा था बच्चों, जो हमारे पास बोन्स थी वो सारी हमारे पास यूजली तो थी किस तरह की थी, नजर आ रही, कौन सा बच्चा बताएगा, बोन्स कैसी नजर आ रही थी, व्हाइट थी, व्हाइट कलर थी, व्हाइट। तो इसी तरह से स्कल हमारे पास एक बोन ही है, हाइपर डेंस है, हमारे पास ये व्हाइट नजर आ रही है। ठीक है, अब जो लो डेंसिटी वाला एरिया है वो कौन सा है हमारे पास जी, एनीथिंग डार्कर लो डेंसिटी देन ब्रेन इज हाइपोडेंस। ठीक है, अब हाइपोडेंस हमारे पास ब्रेन में क्या है, CSF, जो कि आपको पता है कि फ्लूइड है। ठीक है जी, डिफरेंट कम्युनिकेशन करा रहा होता है हमारे पास, और एयर। ठीक है, ये दोनों जो है वो हमारे पास किस तरह से नजर आएंगे, हाइपोडेंस नजर आएंगे। यानी कि हमें स्कल व्हाइट कलर का नजर आएगा और CSF और एयर जहाँ होगी वो हमें डार्क कलर का नजर आएगा, यानी कि ब्लैक या कोई डार्क सा उसका जो है वो वहां पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, और जो जब चीज आपको ना ही डार्क नजर आ रही होगी, यानी कि ब्लैक नहीं होगी और ना ही वो व्हाइट होगी, उसके दरमियान का जो शेड होगा वो क्या होगा, ब्रेन होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, आइसोडेंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपने यहाँ तक पॉइंट याद रखने हैं ताकि हम आगे जब पढ़े तो आपको पता चल जाए। अच्छा बच्चों, अब ये जो मैंने भी आपको डेंसिटीज बताई हैं, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्रेन सिटी है। ठीक है जी, और उसका एक साइज सेक्शन है, इसमें अगर हम, मैं आपको कहूँगी जी यहाँ से यहाँ तक मुझे बताएं कि ये पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो आपने अभी पीछे पढ़ा है कि वो चीज जो कि हाइपर डेंस होगी वो ब्लैक होगी। अभी हमने पढ़ा है कि जो हाइपर डेंस है वो कैसे नजर आएगी, व्हाइट नजर आएगी। ठीक है, व्हाइट नजर आएगी। बोन हमारे पास क्या है जी, हाइपर डेंस है। ठीक है, ये व्हाइट नजर आ रही है। अब चीज जो हाइपोडेंस होगी, यानी कि CSF फ्लूइड है और हमने साथ क्या पढ़ा है, एयर, वो हमें कैसे नजर आएगी, डार्क नजर आएगी। देखिए आपको ब्लैक कलर की डार्क नजर आ रही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो चीज जो कि ना ही आपके पास डार्क में आ रही है ना ही व्हाइट में आ रही है, ठीक है, तो वो आपको एक डिफरेंट ग्रे या इस टाइप का शेडो आएगा, दैट इज बेसिकली द ब्रेन इटसेल्फ। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे जाके देखते हैं कि सल्काए गहराए जो भी है। ओके बच्चों, और अगर मैम जो हाइपर हायर डेंसिटी के होते हैं वो इसलिए व्हाइट नजर आते हैं क्योंकि उन पे जो रेज एमिट की जाती है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिल्कुल, शाबाश। ठीक है, देखिए बेटा एक पॉइंट तो आपको मैंने शुरू से बताया है ना कि एक्स रेज में जो एक्स रे अटेन्यूएशन, अगर आपने, मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है ना, पर अटेन्यूएशन में मैंने आपको बताया था कि एक्स रेज की ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब भी वो कहीं जाके एब्जॉर्ब होती है तो उस जिस भी एरिया में एब्जॉर्ब हो रही होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो उसके मुताबिक उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, जो बिल्कुल कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ कम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको ओपेक और लुमिनेंसी जो है वो एक टर्म बताई थी जब हमने एक्स रेज पढ़े थे, तो ठीक है ना, तो वही वाली कंडीशन आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि यहाँ पे भी जो है वो अप्लाई हो, क्योंकि रेज सेम है ना बेटा, रेस सेम है, टिश्यू हमारे पास चेंज होता जा रहा है। ठीक है, कहीं पे हमारे पास सॉफ्ट है, कहीं पे हमारे पास बोन है, कहीं पे हमारे पास फ्लूइड है, कहीं पे एयर है, कहीं पे ब्लड है, तो वो रेस सेम है बट टिश्यू जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, हम थिकनेस ऑफ टिश्यू इफेक्ट करती है। ठीक है, थिकनेस ऑफ टिश्यू पे डिपेंड कर रहा होता है, थिकनेस भी और कॉम्पोजिशन। देखिए अगर हम थिकनेस कहेंगे तो थिकनेस किस पे डिपेंड कर रही है, टिश्यू की कॉम्पोजिशन पे डिपेंड कर रही है, वो किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन, थिकनेस, फिर आगे से कि किस तरह से उसने कितनी एब्जॉर्ब करनी है और कितनी
रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आप आगे देखेंगे तो हमें कौन सा पॉइंट जो है वो किस तरह का नजर आएगा। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद जो है वो अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जो है वो डिफरेंट हमारे पास सीटी मशीन होती है और उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो क्या होती है थिकनेसेस वगैरह होती हैं। ठीक है, अब बेटा डिफरेंट मशीन की होती है यूजली, अगर मैं आपको कहूँ तो यूजली हमारे पास होती है 5 से 10 mm की जो है वो थिकनेस जो है ना एक स्टैंडर्ड जो होती है मशीन सीटी की वो लेगी। ठीक है, उसके अलावा अब हमारे पास जो कि टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है तो कुछ ऐसी भी हैं जो इससे भी कम स्लाइस की थिकनेस ले रही होती है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था फील्ड ऑफ विजन होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम फील्ड ऑफ विजन नहीं बल्कि हम क्या करते हैं, या तो हम मूव करेंगे इन्फीरियर, देखिए ना ये पेशेंट का हेड है, ये उसकी सर्वाइकल स्पाइन है। ठीक है, तो यहाँ हम मूव करेंगे इन्फीरियर टू सुपीरियर, ठीक है स्लाइसिस लेंगे हम, या हम स्लाइसिस में मूव करेंगे कहाँ से सुपीरियर टू इन्फीरियर। ठीक है, तो ये दो बातें आपने जो है वो याद रखनी है जब हम सीटी देखेंगे कि या तो हम इंपीरियर टू सुपीरियर स्लाइसिस दे रहे होते हैं या फिर सुपीरियर टू इंफीरियर दे रहे होते हैं। देखिए बेटा आनी तो दोनों तरह ही है, अगर आप इंफीरियर से सुपीरियर जाएं तब भी आपको सुपीरियर सेक्शन नजर आएगा, या अगर आप सुपीरियर से इंफीरियर आए तब भी आपको सारे सेक्शन नजर आएंगे, बट डिपेंड कर रहा होता है कि जो हमारे पास मशीन है उसके अंदर क्या जो है वो सिस्टम जो है वो अटैच हुआ हुआ है और वो हमें किस तरह से स्लाइसिस दे रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह से हम इसका जो फील्ड ऑफ विजन है वो लेते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों अब ये जरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जिसमें आपके जो पुरानी एनाटॉमी है वो थोड़ी सी रिवाइज होगी। ठीक है जी, अच्छा बच्चों ये अब आपके पास आ रहा है सेजिटल सेक्शन और ये है हमारे पास एक्सियल सेक्शन। अब बड़ा सिंपल सा है, अगर आप थोड़े इसको जैसे अभी हमने पहले डेंसिटीज पढ़ी है वो मैंने आपको बताई है उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए बेटा यही जो ब्रेन का इमेज है, ठीक है इसी को ही अब हमने ऊपर ऊपर करके स्लाइसेस जाते जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए पहला स्लाइस गुजरा है ये यहाँ से। अब आप देखो बेटा ये क्या है पेशेंट की ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये ए पे ऑर्बिट नजर आ रहा है। ठीक है, अब जो भी जहाँ पे ऑर्बिट है आपको पता है उसके पीछे कोई स्पेसिफिक जो है वो आपको वो है आपके पास सॉफ्ट टिश्यू ही होगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको इस तरह से इसकी डार्क ग्रे और ब्लैक थोड़ी सी कंबाइंड सी अपीयरेंस जो है वो नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड पड़ा होगा जो आई से नीचे आएंगे तो साइनस पड़ा हुआ होगा। ठीक है, मैंने ऐड किया हुआ, ओके फाइन। ठीक है बेटा, अब साइनस क्या होते हैं आपको पता है, हमारे पास फेस पे डिफरेंट साइनस होते हैं, फ्रंटल साइनस होता है, एथमोइड साइनस होता है यहाँ पे। ठीक है, ये सिफेनोइडल साइनस होता है और ये मैक्सिलरी साइनस होता है। ये सारे साइनसेस आई थिंक आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो अब जब हम आए कहाँ से ऑर्बिट, ऑर्बिट से पीछे आए तो हमारे पास कौन सा साइनस पड़ा हुआ है, ये आपके पास सिफेनोइड साइनस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपको इसी तरह से डार्क अपीयरेंस इसकी नजर आएगी। फिर उससे पीछे बेटा ये कौन सी बोन है हमारे पास, टेम्पोरल लोब पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये टेम्पोरल लोब आ गई हमारे पास सी में, ये हमारे पास क्या नजर आ रही है, टेम्पोरल लोब नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है जी, जैसे ही हम टेम्पोरल लोब से नीचे आए तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, कान पड़ा हुआ है। कान में क्या पड़ी हुई है आपको पता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है हमारे पास। ठीक है, वो नजर आएगी आपको। अच्छा, उसके बाद आपको जो है ये नजर आ गई एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है जी, ई में मेस्ट्रॉइड एयर सेल्स। ठीक है, आपको पता है बेटा जो टेम्पोरल बोन होती है उसके साथ एक मेस्ट्रॉइड प्रोसेस अटैच हुआ होता है। ठीक है, वो जो मेस्ट्रॉइड प्रोसेस होता है उसके पास ही, उसके अंदर ही आपके पास मेस्ट्रॉइड एयर सेल्स होते हैं। ठीक है, चूंकि ये एयर सेल्स है इसलिए भी आपको डार्क अपीयर जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है, जैसे कट सेक्शन नीचे चला गया ऑडिटरी कैनाल को पास करके, तो ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर पड़ा हुआ है और ये आपको सेरिबेलर हेमिस्फीयर नजर आ रहा है। अब बच्चे आपको जो याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं आपको ये सेजिटल सेक्शन ना दिखाऊं और मैं आपको सिंपल ये सेक्शन दिखाऊं तो सबसे पहले तो आपने डायग्नोज कर लेना है कि भाई ये हमें ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ ऑर्बिट नजर आ रहे हैं इसका क्या मतलब है कि वो जो सेक्शन है वो आई के लेवल से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, जब ऑर्बिट नजर आ रहे हैं तो हमें साथ वहां पे साइनस भी नजर आना चाहिए। ठीक है ना, अब ऑर्बिट के साथ सबसे पहला साइनस कौन सा पड़ा हुआ था हमारे पास, सेफेनोइड साइनस था। ठीक है, सेफेनोइड साइनस है, उससे फिर आप पीछे जाएंगे तो आप खुद ही सोच रहे हैं कि वहां पे हमारे पास टेम्पोरल लोब पड़ी हुई थी। ठीक है, फिर टेम्पोरल लोब से नीचे क्या पड़ा हुआ था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी, उसके साथ फिर मेस्ट्रॉइड प्रोसेस था, मेस्ट्रॉइड एयर सेल्स थे, उसके नीचे फिर स्लाइस कहाँ आया होगा, सेरिबेलर हेमिस्फीयर के ऊपर आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपने एक चीज डायग्नोज की और आपको पता चल गया जी ये किस लेवल पे सेक्शन लिया हुआ है, उसी सेक्शन से फिर आपने माइंड में ये इमेज बनाया और यहाँ से यहाँ तक आपने ऑटोमेटिकली उसकी लेबलिंग कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हमारे पास स्लाइस है, अब आप देखेंगे थोड़ा सा हमारे पास चला गया ऊपर।
अब इस स्लाइस के अंदर आपको ऑर्बिट्स नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्बिट जब नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए ऑर्बिट खत्म हो गए हैं, और अगर ऑर्बिट खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब है हम थोड़ा सा ऊपर चले गए, ठीक है ना, आंखों से ऊपर चले गए। तो वहां हमारे पास सबसे पहले क्या नजर आएगा, आपको मिलेगा फ्रंटल लोब मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द फ्रंटल लोब। उसके बाद फिर ये चूंकि फ्रंटल लोब के बाद हमें ये व्हाइट अपीयरेंस नजर आ रही है, मैंने भी आपको बताया था बोन आपको व्हाइट कलर की नजर आएगी, ठीक है। तो फ्रंटल लोब के साथ ही जो बोन है डेफिनेटली वो कौन सी होगी, फ्रंटल बोन, ठीक है। उसके बाद फिर सी पे हमारे पास आ जाता है डॉर्सम सेले। डॉर्सम सेले इटसेल्फ इज अगेन डॉर्सम सेले ही जो है वो हमारे पास ये आपके सेकेंड ठीक है जी, ये सेफ्नॉइड बोन का ही हमारे पास एक पार्ट होता है, ठीक है जी, स्क्वायर शेप ये वाला ये वाला पार्ट, ठीक है, डॉर्सम सेल, ये आपके पास सेफ्नॉइड बोन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आपकी जो है वो फेशियल बोन ही है जिसका एक पार्ट है और वो हमें नजर आएगा, ठीक है। वापस चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्रंटल लोब, फ्रंटल बोन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे हमें पहले ऑर्बिट्स के साथ एक साइनस मिला था, इसी तरह से अब हमारे पास सेफेनॉइड बोन का एक जो है वो हमें पार्ट नजर आएगा, जो कि इस तरह से आपको स्फेरिकल या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, दैट इज बेसिकली द डॉर्सम सेले। उसके बाद फिर नीचे आपको एक डॉर्सम सेले से बिल्कुल नीचे बेजलर आर्टरी पड़ी हुई होगी, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई क्लॉट आया हो तो ये आपको हाइपर डेंस नजर आएगी, ठीक है, टेम्पोरल लोब, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमारे पास नीचे क्या पड़ा होगा जी, टेम्पोरल लोब पड़ी हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि हम यहाँ से नीचे आ गए इधर, तो यहाँ कौन सी पड़ी हुई होगी, टेम्पोरल लोब पड़ी होगी अगेन। उसके बाद फिर मेस्टॉइड हेयर सेल्स पड़े हुए होंगे, ठीक है। अब आप देखिए बेटा यहाँ से एक और चीज हम बड़े इजीली आप पता कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता चल रहा कि ये हमारे पास टेम्पोरल लोब है, तो मेस्टॉइड हेयर सेल्स तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं ना, तो मेस्टॉइड हेयर सेल है तो इसका क्या मतलब है कि उसके ऊपर क्या पड़ी होगी, टेम्पोरल बोन पड़ी होगी, ठीक है। इसी तरह से फिर नीचे आपके पास सेरिबेलर हेमिस्फीयर आ जाता है। सो ऑर्बिट्स जहाँ नजर आ रहे हैं वहाँ आपको जो है वो ऑर्बिट के साथ जो साइनस पड़ा हुआ है वो आपको जरूर नजर आएगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको जो है वो टेम्पोरल लोब बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल ऑर्बिटरी किनार और मेस्टॉइड सेल्स, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से इसको याद रखना है कि जो ऑर्बिट है तो फिर ऑटोमेटिकली आपने देख लेना है कि आई के सेक्शन पे था और पीछे क्या स्ट्रक्चर्स पड़े होंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर जब मैंने आपको कहा कि अगर आपको टेम्पोरल फ्रंटल बोन सबसे अच्छी नजर आ रही है तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सेक्शन आई से ऊपर चला गया, ठीक है। तो फिर इसको करते 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 आप यहाँ तक आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बच्चों मुश्किल तो नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे ये हमारे पास नेक्स्ट साइड आ जाती है। अब नेक्स्ट साइड में आप देखिए हमने ऑर्बिट से शुरू किया, फिर टेम्पोरल लोब पे आए, अब हम और ऊपर आ गए, ठीक है जी, सॉरी फ्रंटल लोब पे आए, अब हम फ्रंटल लोब से थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अगेन इस साइड में भी हमारे पास फ्रंटल लोब उधर ही है, क्योंकि अगर आप लोगों ने बेटा देखा हुआ हो, अभी मैंने आपको जैसे ये दिखाया था, तो फ्रंटल लोब हमारे पास काफी बड़े साइज का होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा होता ही फ्रंटल लोब है आपके पास, फिर प्राइटर होता है, फिर टेम्पोरल और सबसे छोटा ऑक्सिपिटल होता है। तो फ्रंटल लोब इटसेल्फ जो है वो जब तक हम यहाँ तक पहुंचेगी, फ्रंटल लोब आपके साथ साथ जो है वो आपको नजर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम इस साइड पे थे, ठीक है जी। सबसे पहले अब अगेन हमें फ्रंटल लोब नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारी हमारे पास स्कल बोन है। अच्छा, फ्रंटल लोब हो गया, उसके बाद फिर सेल्वियन फिशर हमें जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास फिशर नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली द सेल्वियन फिशर, जो कि हमारे पास जिसको हम लैटरल फिशर भी कहते हैं, और जो कि टेम्पोरल और फ्रंटल बोन को आपस में क्या कर रहा होता है, लोब्स को सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। अब आपको ये फ्रंटल लोब नजर आ गया, ये टेम्पोरल लोब नजर आ गया, इनके दरमियान में अगर आपको कोई फिशर नजर आता है तो वो क्या होगा, सेल्वियन फिशर होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर सुप्रा सेलर सिस्टर्न ये है हमारे पास, ये सुप्रा सेलर सिस्टर्न भी बच्चे आपके पास बेसिकली इस एरिया में जो है वो हमारे पास सी एस एफ ही होता है, ठीक है। तो जब जहाँ सी एस एफ होगा वो आपको कैसा नजर आएगा, थोड़ा सा आपको वो अभी मैंने आपको बताया था कि हाइपर डेंस नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, देन जो है वो हमारे पास आ गया मिडब्रेन, ठीक है, आप देखें ये मिडब्रेन आ गया, अब इसके अंदर मिडब्रेन भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा नीचे फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल आ जाएगी। अब वेंट्रिकल्स भी बच्चे आपको पता है वेंट्रिकल्स के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, सी एस एफ फील्ड होता है ना,
ठीक है ना, लेटरल वेंट्रिकल होती है, थर्ड वेंट्रिकल होती है, फोर्थ वेंट्रिकल होती है, तो ये सारी वेंट्रिकल सीएसएफ के साथ फिल्ड होती है। तो जहां पे आपको सीएसएफ आएगा वो कैसा नजर आएगा, हाइपरटेंस नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नजर आ गई फोर्थ वेंट्रिकल, और उसके फिर नीचे जब आ गए तो हमारे पास क्या नजर आ गया, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। अब बच्चे अगर मैं आपको सीधा सा आसान सा तरीका बताऊं कि आपने इसको किस तरह याद रखना है, तो ओके, सो दिस इज बेसिकली द सुप्रासेलर सिस्टम। ठीक है, ये देखिए सुप्रासेलर सिस्टम है, और ये आपको हाइपरडेंस जो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसकी जिस तरह की शेप है, ये इसी तरह की ही आपको जो है वो सीटी के ऊपर नजर आ रही होगी। तो अगेन आप देखिए जहाँ पे आपको सुप्रासेलर सिस्टम मिल रही है वहां पे अल्टीमेटली जो सेक्शन होगा वो किसके लेवल पे होगा, मिड ब्रेन के लेवल पे होगा। ठीक है, तो उसमें आपको मिड ब्रेन भी नजर आएगा, और वहां पे आपको जो है वो साथ क्या नजर आएगी, फोर्थ वेंट्रिकल भी मिल रही होगी। ठीक है, तो ये वाला इजी है डायग्नोज करना, ये वाला पार्ट भी इजी है डायग्नोज करना, ये जो बीच वाले पार्ट्स हैं, डिफरेंट और चीजें साथ साथ पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, उसको डायग्नोज करना मुश्किल है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ ऑर्बिट आ गया वहां पे हम खुद ही देख लेंगे कि फेस का साइनस भी आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अब आपके पास जो है वो क्या है, जहाँ पे हमारे पास डॉर्सल सेली नजर आ रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे आपके पास जो है वो अभी हम बहुत ऊपर लेवल पे जो है वो नहीं मिल सकती है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पॉइंट में आपने सुप्रासेलुलर सिस्टर्न से जो है वो याद रख लेना है कि जहाँ पे हमें इस लेवल पे सुप्रासेलुलर सिस्टर्न नजर आ रही है, इसका मतलब है कि वो हमने थर्ड स्लाइस होगी, और उसके अंदर हमें फोर्थ वेंट्रिकल भी नजर आएगी और साथ मिड ब्रेन भी नजर आएगा। अच्छा, ये अगेन जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो फिशर सेपरेट कर रहा था, ठीक है, ये सेल्वियन फिशर है, ये मैंने पिक्चर ऐड करती थी ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बेटा जी ये आपने डायग्नोज कर लिया कि फ्रंटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, तो इसके दरमियान का जो फिशर है वो कौन सा है। ठीक है, या प्रैक्टिकल स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नॉर्मल अलर्ट। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों अगेन अब हम चले गए थोड़ा सा मजीद ऊपर। अब इसमें हमारे पास फॉर्क्स सेरेब्राय नजर आ रहा है। ठीक है जी, फॉर्क्स सेरेब्राय आपको नजर आ रहा है जो कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान में एक हमारे पास जो है वो सेपरेटेड सर्कस टाइप होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पहले यहाँ पे इतना क्लियर फॉक्स सेरेब्राय नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, अब हम जब ऊपर गए हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के लेवल के ऊपर, तो वहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, फॉक्स सेरेब्राय नजर आ रहा है। देन अगेन फ्रंटल लोब नजर आ रही है। ठीक है, और उसके बाद हमें जो है वो इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, उसके बाद फिर थर्ड वेंट्रिकल, फिर क्वाड्रीजेमिनल प्लेट सिस्टर्न, और फिर सेरिबेल। क्वाड्रीजेमिनल प्लेट सिस्टर्न जो है वो बेटा अगेन हमारे पास क्या है, सीएसएफ फील्ड एरिया होता है। ठीक है, तो सीएसएफ फील्ड एरिया है, तो इसका क्या मतलब है, ये हमें हाइपरटेंस नजर आएगा। इसी तरह से जो थर्ड वेंट्रिकल है, जो फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल है, वो भी हमारे पास चूंकि सीएसएफ फील्ड है, वो भी हमें कैसे नजर आएंगी, हाइपरटेंस नजर आएंगे। ठीक है, और अगेन लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेरिबेलम आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो है वो मिड ब्रेन से ऊपर चले गए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अब हम मजीद ऊपर गए, तो इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे पास इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल होता है। अब अगर मैंने इमेज यहाँ पे आई थिंक ऐड कर दी, हाँ जी, ठीक है, ये लैटरल वेंट्रिकल है बेटा, इसके आपको पता है एक इंटीरियर हॉर्न होता है, एक इसका पोस्टीरियर हॉर्न होता है, और एक इसका इंफीरियर हॉर्न होता है। ठीक है, तो अब हम इस लेवल के ऊपर हैं, ये इस तरह से, ओके, तो हमें क्या नजर आएगा, इंटीरियर हॉर्न नजर आ रहा होगा लेटरल वेंट्रिकल का। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम नीचे आएंगे तो कॉर्डेट न्यूक्लियस नजर आएगा। ये देखें, ये इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल था, इसके नीचे हमारे पास साथ पड़ा हुआ कॉर्डेट न्यूक्लियस और ग्लोबस पैलेडम एंड पुटामेन। ठीक है, तो हमें इसी तरह से नजर आएगा। ठीक है, इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, उसके बाद फिर नीचे आपके पास कॉर्डेट न्यूक्लियस, ओके, फिर इंटरनल कैप्सूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इंटरनल कैप्सूल के भी अब हमारे पास जो है वो दो लिम होते हैं, एक इंटीरियर लिम होता है और एक इसका हमारे पास होता है पोस्टीरियर लिम। ठीक है, तो ये दोनों आपको नजर आ रहे होंगे, और उसके दरमियान में जैसे मैंने आपको बताया था ग्लोबस पैलेडम एंड पुटामेन, और फिर उसके बाद ये हमारे पास अगेन आ जाती है थर्ड वेंट्रिकल, फिर क्वाड्रीजेमिनल प्लेट सिस्टर्न, और ये आपके पास सेरिबेलर वर्मस। ठीक है जी, सेरिबेलर वर्मस बेसिकली जो कि दो पार्ट्स को और सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली द सेरिबेलर
वर्बस, ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगी, सैरी बेलम आ जाएगी। अगेन बेटा इस स्लाइस के लिए आप अगर ये वाला इमेज याद रखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है वो इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटर वेंट्रिकल आएगा, हमारे पास इसके अंदर जो है वो थर्ड वेंट्रिकल मिलेगा, हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या पड़ा हुआ है, जो है वो ये पड़ा हुआ है इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटर वेंट्रिकल पड़ा हुआ है। और मैंने आपको भी यहाँ पे दिखाया है कि इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस फुटामेन ग्लोबस पैलेटस पड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये नजर आएगा। फिर और नीचे जाते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेरिबेलम, सेरिबेलर वर्मस और सेरिबेलम नजर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली शुरू हम कहाँ से हुए हैं, यहाँ से ऑर्बिट से, एक्सटर्नल ऑर्बिटरी मेटस से शुरू हुए हैं, फिर ऊपर आ गए तो टेम्पोरल बोन आ गई, ठीक है जी, और मिडब्रेन आ गया आपके पास, फिर और अब ऊपर आ गए हैं तो अगेन हमारे पास अब कौन से आ गए हैं, अब हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल इंटीरियर कैप्सूल जो है उसके दोनों लिम्स नजर आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल नजर आ रही है, सेरिबेलर वर्मस नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज जहां से आपको कट होती हुई नजर आएगी वहां पे आपको आप नजर क्या आएगा, इंटीरियर लिम ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am, confusion नहीं है, बस थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला, क्लियर हो जाएगा, पढ़ेंगे ना एक दफा दोबारा से तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों अब ये साइज और थोड़ा ऊपर चला गया है, जीनू ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, ठीक है जी, अब ये आपको पता है कि बेसिकली कॉर्पस कैलोजम था, ठीक है जी, अब हम जो बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोजम है या जीनू ऑफ द कॉर्पस कैलोजम है उसके ऊपर चले गए, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये नजर आ रही है बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, अगेन आपको अभी मैंने बताया था ये तो बेटा आप माइंड ने बना ली, जो ऐसा आपको इमेज नजर आ रहा होगा दैट इज बेसिकली द इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। अगेन हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे कहाँ चला गया, मैंने अभी आपको बताया था इंटरनल कैप्सूल था, इसका ये इंटीरियर लिम था और ये इसका पोस्टीरियर लिम था, ठीक है, तो वो दोनों के उधर ही रहे, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ हम आ गए हैं, पहले हम इधर थे हम आ गए ऊपर, जब हम ऊपर आए तो यहाँ हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, थैलेमस पड़ा हुआ था, ठीक है। ये देखिए आपको दो ग्रेप शेप इस तरह के, जैसे ग्रेप्स नहीं होते दो तरह साइड पे, या लंग्स की तरह का ये आपको इमेज लग रहा है, जैसे ये दो लंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ आपको इस तरह के जैसे दो ग्रेप्स या लंग की तरह पर नजर आएगा, दिस इज बेसिकली द थैलेमस, ठीक है। आप देखिए बेटा ये पुटामन ग्लोबस था, हमें पिछली साइड में नजर आया, अब हम चले गए ऊपर, जब हम ऊपर चले गए तो हमें जो है वो यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम की बॉडी और साथ नीचे थैलेमस मिल गया, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने याद रखना है इंटीरियर हॉर्न ऑफ द जो है वो लेटरल वेंट्रिकल की शेप, इसी तरह से आपने इसकी थैलेमस की भी जो है वो शेप याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास थैलेमस, थैलेमस के साथ नीचे हमारे पास ये जो है वो एक ग्लैंड होता है जिसको हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास कोरोइड प्लेक्सस, अगेन बच्चों कोरोइड प्लेक्सस इटसेल्फ जो है वहाँ पे आपके पास ये सेल्फ फिल्ड ये एरिया होता है, तो वो आपको कैसा नजर आएगा, हाइपर डेंस नजर आएगा, ठीक है। ये अगर आपको नहीं भी याद रहता तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें से वो क्या है कि इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है जी, कोरोइड प्लेक्सस, थैलेमस किस तरह का आपको नजर आ रहा है, ठीक है, फिर जो है वो इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल कैप्सूल, फिर इंटरनल कैप्सूल के जो दोनों लिम्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, मिडब्रेन किस लेवल पे हमें नजर आएगा, ऑर्बिट्स, और जो हमारे पास मेस्टेरॉइड एयर सेल्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो हमें साइनस नजर आ रहे थे फेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो गया, अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, ये मैंने पिक्चर ऐड की हुई थी आपको बताने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो थैलेमस के साथ नीचे पड़ा हुआ होता है पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से, अब हम इस कट सेक्शन के ऊपर है थैलेमस, तो थैलेमस के नीचे हमारे पास ये ग्लैंड पड़ा हुआ नीचे। और नेक्स्ट में हम जाते हैं जी फॉक्स सेरेब्राई आ गया हमारे पास, ठीक है जी। ये आपके पास जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया था कि एक इंडेंटेशन थी, अब मजीद जब ऊपर जाते हैं तो सेरेब्रल के हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन होती है जिसको हम फॉक्स सेरेब्राई कहते हैं, वो आपको नजर आएगा। फिर अगेन फ्रंटल लोब, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रंटल लोब सबसे बड़ी है, वो आपके पास काफी ऊपर तक आपको नजर आती रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। अच्छा बच्चों, अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब हम सीधी देखते हैं इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल पे देखो हम पहले, ठीक है ना, अब हम चले गए उसकी बॉडी के ऊपर, मतलब अभी हम यहाँ पे थे इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, अब हम चले गए ऑलमोस्ट यहाँ उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, अब हम इधर आ गए बॉडी के ऊपर आ गए।
तो अब बॉडी आपको इस तरह से नजर आएगी, क्योंकि जब हॉर्न था वो छोटा था, ठीक है, जो बॉडी इटसेल्फ है वो क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, हॉर्न आपको छोटा सा नजर आ रहा था, बॉडी इटसेल्फ जो है वो उसकी बड़ी है, तो बॉडी आपको इस तरह से एक जो है वो एनलार्ज सा इमेज देगा, ठीक है। अच्छा जी, बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल हो गया, उसके पास स्प्लीनेट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है जी, उसी के नीचे हमारे पास कॉर्पस कैलोसम पड़ा हुआ होता है, देन पेराइटल लोब, ठीक है, चूंकि अब हम ऊपर चले गए हैं तो हमारे पास यहाँ पे पेराइटल लोब भी ऐड हो गया, ठीक है, उसके साथ फिर ऑक्सीपिटल लोब है हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास सुपीरियर सेजिटल साइनस, जैसे मैंने आपको पीछे अभी स्ट्रेट साइनस बताया था, इसी तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे एक सुपीरियर सेजिटल साइनस जो है वो लोकेटेड होता है, ठीक है बच्चों। अब अगेन आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल नजर आई, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम किस लेवल पे जा चुके हैं, हम उस लेवल पे जा चुके हैं जहाँ पे हमें पैराइटल बोन भी नजर आएगी, ठीक है, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन भी साथ साथ हमें मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन्स नहीं थी, ठीक है, अब हम थोड़ा सा मजीद ऊपर चले गए तो हमने ऑक्सीपिटल बोन भी हमारे अंदर ऐड हो गई है और पैराइटल बोन भी हमारे पास ऐड हो गई है, ठीक है बच्चों। तो ये आप इस तरह से जो है वो याद कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद अब फॉक्स सेरेब्रम अगेन उसी तरह से नजर आ रहा है, अब हम बिल्कुल ऊपर जा चुके हैं, ठीक है जी, वहाँ पे हमारे पास जितने भी ये एरियाज थे वो खत्म हो चुके हैं, सेरेब्रम आपको प्रॉपर नजर आ रहा है, जिसमें अगेन मैंने अभी आपको बताया था कि एक सुपीरियर सेरेब्रल साइनस है, ठीक है, और उसके बाद ये फॉक्स सेरेब्रम है, और सरकाए और गायराय जो है वो आपको पता है जो कि इंडेंटेड पार्ट होते हैं वो गायरस होता है, और जो कि जो है वो उभरा हुआ पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, गायरस होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से अब याद रखना है कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए और हम यहाँ तक, ठीक है, ऑर्बिट देखने, हमने फेस के एथेमॉइड साइनस देखा, मेस्टोइड हेयर सेल्स देखे, ठीक है, फिर ऊपर आ गए तो हमें जो है वो फ्रंटल लोब के साथ साथ जो है वो क्या नजर आना शुरू हो गया, लेटरल वेंट्रिकल नजर आना शुरू हो गया, लेटरल वेंट्रिकल के साथ साथ फिर हमें जो है वो कॉर्डेड न्यूक्लियस कॉर्पस कैलोसम नजर आना शुरू हो गया, फिर ऊपर चले गए तो साथ मिडब्रेन भी आना शुरू हो गया, फिर मिडब्रेन से ऊपर चले गए तो हमारे पास जो है वो साथ इंटरनल कैप्सूल लेटरल वेंट्रिकल के हॉर्न्स नजर आना शुरू हो गए, ठीक है, फिर इस तरह और मजीद ऊपर चले गए तो हमारे पास जो है वो बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल आ गई, पैराइटल लोब भी आ गई, और साथ जो है वो ऑक्सीपिटल लोब भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो अब ये जो है वो हमने यहाँ से बेसिकली स्लाइस शुरू किया था और यहाँ तक हम गए हैं, इसके अलावा इसके ऊपर तक भी हम स्लाइस ले सकते हैं, कि डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह से स्लाइस शुरू किए हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टार्ट करते हैं या तो सुपीरियर से इंफीरियर जाते हैं या फिर हम इंफीरियर से सुपीरियर जा रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये वाला जो गेन हमारे पास स्लाइस है, अगर हम देखें कि ये यहाँ से शुरू हुआ होगा तो डेफिनेटली ये भी हमारे पास इंफीरियर से सुपीरियर शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखिए ऑर्बिटल्स आ गए, यहाँ पे एथेमॉइड साइनस आ गया, ये मेस्टोइड हेयर सेल्स आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस आ गया, ठीक है। जहाँ तक आपको ये सारा क्या नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ये वाला सेक्शन है, ठीक है। और ये क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको, कौन सा बच्चा बताएगा मुझे जल्दी से बताएं, शाबाश, ये क्या नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल ये वाला लेवल है। अब आप जरा खुद ही से सोचेंगे क्या होगा, ये वाला क्या है बीच में, रोमन मैग्नस, ये बिल्कुल नीचे वाला लेवल था, क्योंकि ये वाला लेवल था ऑक्सीपिटल फोरम है, ऑक्सीपिटल फोरम कौन से भी हम नीचे है, ये इसलिए हमें फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल भी नहीं है बच्चे, ये बिल्कुल हमें स्पाइन नजर आ रही है, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन का पार्ट जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन जो है वो इतना इमेज जो है वो इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब हम आए तो ये सेरिबेलम बहुत नजर आना शुरू हो गया और ये ऑक्सीपिटल बोन क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अगेन, ठीक है, इसमें सेम वही आ गया, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस हमें नजर नहीं आ रहा था, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी किनार हमें नजर आ रही है साफ, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो मजीद ऊपर जब हम जाते जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था सेफेनॉइड साइनस ऐड हो जाएगा, ठीक है, सेफेनॉइड साइनस हमें नजर आ गया। फिर इस तरह से मजीद हम ऊपर गए तो हमारे पास कौन सी लोब नजर आ गई, टेम्पोरल लोब भी हमें आती गई, ठीक है। फिर टेम्पोरल और फ्रंटल लोब हमें नजर आ गई, मिड ब्रेन हमें नजर आ गया, ठीक है। और उससे मजीद ऊपर चले गए तो फिर हमें यहाँ पे जो है वो इंटीरियर हॉर्न नहीं तक नजर आ रहा, लेकिन जो सुप्रास्टेनल सिस्टम था वो आपको जो है वो इसमें थोड़ा सा नजर आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेंगल जो है क्वाड्रेंजल सिस्टम जो था वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये अब चूंकि मैंने आपको बता दिया जो हाइपर टेंस एरिया है वो कौन से हैं, या तो वो एयर है या फिर वो कौन से हैं, सीएसएफ फ्लूइड एरियाज है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे जो सीएसएफ फ्लूइड एरियाज है उनकी शेप्स क्या होंगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल आपको डिफरेंट शेप की इस तरह से ब्रॉड नजर आएगी, ठीक है।
जो इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल होगा वो आपको डिफरेंट शेप के साथ नजर आएगा, ठीक है। फिर कोरोइड प्लेक्सस आपको और किसी साइज में नहीं नजर आ रहे, कोरोइड प्लेक्सस आपको इस लेवल पे ही नजर आएंगे, ठीक है। फिर जहाँ थैलेमस नजर आएगा उसके नीचे हमारे पास क्या नजर आएगा, जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाइनियल ग्लैंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे आप जो है वो उसको याद रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट अब हमारे पास ये वाला एरिया है, ये वाली हमने साइज की, ठीक है, ऑर्बिटल से स्टार्ट किया था। अब जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारे पास दो विंडो होती है, एक होती है हमारे पास बोन विंडो और एक होती है हमारे पास ब्रेन विंडो, ठीक है। तो बोन में हम बोन्स हमें ज्यादा अच्छे से नजर आ रही होती है, बाकी चीजें कम नजर आ रही होती है। जो ब्रेन विंडो होगी उसमें आपके पास बोन्स क्लियर नहीं हो रही होंगी, आपको ब्रेन का एरिया ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास सारे लोब्स नजर आ रही हैं, दिस इज बेसिकली द इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। ये वाला कौन सा पार्ट है, कौन सा बच्चा बताएगा, ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये कौन सा एरिया है? मैम लोब के नाम से बताएंगे, सॉरी वेंट्रिकल है मैम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सब कुछ। सुप्रासाइनल सिस्टम, जी हाँ जी बिल्कुल शाबाशी। किस बच्चे ने बताया सुप्रासाइनल सिस्टम? मैम मोहम्मद यूसुफ उमर, ठीक है। ये सुप्रासाइनल सिस्टम थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ब्रेन वैसे ही या न्यूरो वैसे ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है, बट कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम इसको लेके परेशान हो गए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, आप हमें इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा था, यहाँ पे इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल हमें बड़ा अच्छे से नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कौन सा था, इंटरनल कैप्सूल था, जिसका यहाँ पे इंटीरियर लिंब था और यहाँ पे पोस्टीरियर लिंब था, ठीक है। अब एक और बात बेटा, अभी जो मैंने आपको बताई थी ये क्या है बताएं जरा, कौन बच्चा बताएगा? थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के नीचे क्या पड़ा हुआ था, पाइनियल ग्लैंड पड़ा हुआ था, ठीक है, ये पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये और क्या नजर आना शुरू हुआ, क्लियर हुआ है इसमें क्या और नजर आ रहा है, ये क्या था बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस। अच्छा जी, उसके बाद ये तो मैंने अभी आपको याद करवाया था, बताएं ये क्या है, कौन सा बच्चा बताएगा, शाबाश। अभी यहाँ पे हमने साइड देखी थी, मैंने आपसे कहा था कि किसकी बॉडी है, ये देखिए बच्चे, बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है, मैं आपको बताया था बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा एरिया है, बड़ा रीजन है। बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल हो गई, इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल हो गया, इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अभी हमारे पास इसमें सल्काई गायराए और सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स क्लियर हो रहे हैं, और यहाँ पे जो हमने सुपीरियर सेरेब्रल साइनस था वो नजर आ रहा है, ठीक है, फॉक्स सेरेब्रा नजर आ रहा है, इसमें मजीद अगेन वही सारे आपको एरियाज नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे सल्काई गायराए इतने क्लियर नहीं थे, बिल्कुल सुपीरियर सेक्शन है उसमें आपको सल्काई गायराए क्लियर नजर आएंगे, सुपीरियर सेरेब्रल साइनस और फॉक्स सेरेब्रा आपको क्लियर नजर आएगा, ठीक है। मतलब बेटा ये हम जो गए हैं वो यहाँ से हम गए हैं इंटीरियर से सुपीरियर, इस तरह से हमने लिया, बट हमने इसको जो है वो ब्रेन विंडो के अंदर देखा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगेन ये देखिए, हम ये सारा पढ़ चुके हैं, बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल थी, ठीक है, ये हमारे पास। अब अगेन ये हमारे पास अगर हमने स्पेसिफिकली जो है वो बोन्स को देखना है, या अगर हमें जो है वो लोब्स को फोकस करना है, ठीक है, तो वो अगेन हमारे पास दो तरह की लोब्स आ जाएंगी, सॉरी विंडोज आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज बेसिकली द फ्रंटल लोब, ठीक है जी, ये आपकी जो है वो कौन सी है, पेराइटल लोब है, और ये आपकी कौन सी है, नीचे वाली ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। अभी कोरोना रेडिएटर को बेशक आप इग्नोर कर दें, बट जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको इस लेवल के ऊपर पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सेक्शन दिखाती हूँ, मैं कहती हूँ कि इसमें आप मुझे बताएंगे ये कौन कौन सी लोब्स हैं, तो आप बताएंगे कि यहाँ तक हमारे पास फ्रंटल लोब है, फिर ये वाली हमारे पास कौन सी है, पेराइटल, और ये वाली हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है। अच्छा, अगेन फ्रंटल लोब हो गई, अब इसमें हमारे पास ये टेम्पोरल थी, ऑक्सीपिटल लोब है, और साथ साथ हमारे पास नजर आ रहा है क्या, सेरिबेलम, ये देखिए हमें नजर आ रहा है इसके अंदर साथ साथ, ठीक है। ये जो व्हाइट व्हाइट एरियाज है ना बच्चों, ये बेसिकली कैल्सिफाइड एरियाज है, ठीक है, यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हम पे है, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इंटीरियर हॉर्न है, लेटरल वेंट्रिकल, पूरा बताया ना बेटा, इंटीरियर हॉर्न क्या, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल,
ठीक है, बॉडी इस तरह की होती है और जो हॉर्न होगा खाली वो आपको इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें अब हमें क्या नजर आ रहा है, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ठीक है जी, मेडुला, ये मेडुला हो गया और यहाँ पे पॉन्स हो गया, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो फ्रेजल लोब आ गया। अच्छा नेक्स्ट जो है वो ओके, अब इसमें हमारे पास सेरिबेलम बड़े क्लियरली नजर आ रहा है और मेडुला ब्लॉकेटा नजर आ रहा है, ठीक है। आप इसको बेशक इग्नोर भी करें तो ये हमारे पास अगेन वही बात आ जाती है कि ये इस लेवल पे है, तो ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, ये फेशियल साइनसेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, और ये वाले जो है वो मेस्टॉइड ईयर सेल्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास सेरिबेलम है, ये आपके पास जो है वो बिल्कुल ऑर्बिटल लेवल के ऊपर स्लाइस आएगा, ठीक है बच्चों। ये बेसिकली आईबॉल था, दिस इज बेसिकली था जो मैंने आपको बताया था, मिड ब्रेन था, तो मेडुला, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप ना भी बताएं तो अच्छे से आपको सिर्फ ये बताना भी आना चाहिए कि ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, दिस इज सिस्टर्ना मैग्ना, यू कैन इग्नोर दिस सिस्टर्ना मैग्ना, ठीक है, बट यू शुड नो कि ये कौन सा पार्ट है, सेरिबेलर, सेरिबेलर सर। अगर आपने बेटा देखिए कट सेक्शन में सेरिबेलर हेमिस्फीयर और सेरिब्रम को देखा हुआ होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सेरिबेलम किस तरह की शेप का होता है, ठीक है ना। अब आपको सेरिबेलम और सेरिब्रम में तो कंफ्यूजन फिर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आई थिंक हाँ देखिए, ठीक है, सेरिबेलम किस शेप का होता है और सेरिब्रम जो है वो किस शेप का होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आपको लोब्स दिखाई जाती हैं तो उन लोब्स में आपको पैटर्न भी पता है कि किस तरह से होती है, फ्रंटल है, पैरिटल है, ऑक्सिपिटल सबसे छोटी होती है, ठीक है। और फिर जो आपको इस पैटर्न के ऊपर नजर आ रहा होगा स्लाइस, ठीक है, विद डिफरेंट ये स्ट्रिंग्स या लाइंस के साथ, वो हमारे पास क्या हो रहा होता है, सेरिबेलम होता है। अच्छा जी बच्चों, ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो ये आपकी डिफरेंट स्लाइसेस थी, मैंने आपको जैसे बताया है कि उस लेवल के ऊपर, जैसे हमने फील्ड ऑफ विजन में याद किया था कि जो है वो अगर मैंने आपको जैसे बताया था शोल्डर में, अगर आपको याद होगा तो शोल्डर में सीटी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हमारे पास चेस्ट का लेवल भी इंक्लूड हुआ होगा, तो आपने याद रखना है कि वहाँ पे पैक मेजर और पैक माइनर भी हमें नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे बिल्कुल ऊपर का कट सेक्शन है, जहाँ पे हमारे पास स्पाइन ऑफ द स्कैपुला होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पाइन ऑफ द स्कैपुला नजर आती है तो वहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस नजर हमें नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा इसमें भी चूंकि आपने जो है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हमने जो है वो लिया हुआ है कट सेक्शन, तो आपने जो है वो इस तरह से याद रखना है कि अगर ऑर्बिटल से स्टार्ट हुआ होगा तो क्या क्या उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। इस तरह से हमने लिया ना, इस तरह गए हैं, ऑर्बिटल से लिया तो क्या आ सकते हैं, फिर उसके ऊपर कौन सा रीजन होगा, अगर थैलेमस नजर आ गया तो उसके रीजन में क्या क्या हम ऊपर नजर आएगा, मजीद फिर जो है वो बॉडी ऑफ जो है वो लेटरल वेंट्रिकल नजर आ रही है तो उसके साथ कौन से एरियाज होंगे, ठीक है। तो एक चीज है हाइपर और हाइपोडेंस तो हमें क्लियर हो गया, अब हमें लेवल्स जो है वो याद रखने हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उसको डायग्नोज करना होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा बेसिकली आ जाता है बोन्स ऑफ द स्कल, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, पेशेंट का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या कोई डिफरेंट फॉल की इंजरी है, हिस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो फेशियल बोन्स है उनका भी क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, ओके, ठीक है जी। अब आपने आई थिंक पढ़ी भी होंगी कि ये हमारे पास डिफरेंट फेशियल बोन्स होती है, पहला टाइम है जाइगोमैटिक बोन है, मूमर है, उनके नेजल फॉर्म का डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये मैक्सिलरी बोन है, मैंडिबल है, ठीक है, लैक्रिमल बोन है और नेजल बोन है, ठीक है। तो अब इसमें ज्यादातर जो फ्रैक्चर हमारे पास आता है वो आता है जाइगोमैटिक बोन का, ठीक है, मैंडिबल का भी फ्रैक्चर होता है, ठीक है, मैक्सिलरी आपने देखा होगा अक्सर मैक्सिलरी बोन के फ्रैक्चर के साथ आते हैं, नेजल बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चों में बच्चे गिरते हैं और उनका नेजल बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये आपके पास चूंकि डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है, पेशेंट्स इसके भी फ्रैक्चर के साथ, तो आपको इनका पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आपके पास साइड व्यू में है, फ्रंटल, पैरिटल, ऑक्सिपिटल, टेम्पोरल लोब, लैक्रिमल बोन, नेजल बोन, एथमॉइड बोन, क्योंकि आई में होती है लोकेटेड, जाइगोमैटिक बोन, मैक्सिलरी बोन, मैंडिबल एंड स्फेनॉइड, ठीक है। तो ये अब आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑर्बिटल लेवल पे हमें एथमॉइड साइनस नजर आ रहा था, फिर जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर चले गए जहाँ पे हमारे पास फ्रंटल लोब था तो हमें कौन सा साइनस मिला था, स्फेनॉइड साइनस मिला था, ठीक है। इस तरह बच्चे जब आप याद रखें ना कि इस लेवल के ऊपर ये चीज पड़ी हुई है तो ऑटोमेटिकली हमें रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। अब बच्चे जैसे वही बात आ गई थी कि ब्रेन और जो है वो हमारे पास कौन सी विंडो थी, बोन विंडो थी, ठीक है, कौन सा बच्चा बताएगा ये कौन सी विंडो है, ये ब्रेन विंडो है या बोन विंडो है, बोन विंडो मैम, ये बोन विंडो है, ब्रेन विंडो,
मैम कोना व्हाइट कलर की नजर आती है तो इस वजह से बेटा ये आपको नजर व्हाइट ही कलर की आ रही है, ठीक है, इमेज के अंदर थोड़ा सा हमें इस तरह की लग रही है, ठीक है, ये देखिए और है तो आपके पास ये व्हाइटिश अपीयरेंस ही आ रही है ना, है तो ये व्हाइटिश अपीयरेंस ही, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास कोई पैरेटल बोन का, फ्रंटल बोन का, टेम्पोरल बोन का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो इस तरह का हम इमेज लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिंपल सिर्फ पैरेटल बोन जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। सुचर आप छोड़ दें कि इसमें हमें सिर्फ पैरेटल बोन नजर आ रही है। फिर मजीद अगर हम इसका जो है वो सेजिटल सेक्शन में इसको देखें, ठीक है, तो उसमें हमें कौन किस तरह से नजर आएगी, या पैरेटल बोन की उसके पीछे साथ हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। इसका भी अक्सर जो है वो हमारे पास फ्रैक्चर हो जाता है। आपने अगर स्कल फ्रैक्चर का नाम सुना होगा कि अक्सर लोगों में स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि इंजरी किस तरह की है, तो इसमें इस तरह आपको नजर आएगा, ठीक है। अब अगेन इसमें हमने कम्प्लीट जो है वो बोन विंडो देखी है, जिसमें हमारे पास फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन तीनों जो है वो हमें नजर आ रही है। सुचर्स बेसिक अगर आपने कुछ ज़रा मुश्किल लग रहा होगा, कोरोना सुचर्स जो भी लेबोरेटरी जितने सुचर्स हैं उनको आप इग्नोर कर दें, बट आपको सिर्फ जो है वो बोन्स को आइडेंटिफाई जो है वो स्कैन के ऊपर करनाना चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें फ्रंटल, टेम्पोरल, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जहाँ ऐड हो गया है या मेस्टॉइड एयर सेल्स आ गए हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारे पास क्या आ गई होगी, हमने टेम्पोरल बोन को भी साथ जो है वो इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो फ्रंटल और पैराइटल तो हमें पहले नजर आ रही थी, अब इसके अंदर हमारे पास जो कि मेस्टॉइड एयर सेल्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे पैराइटल बोन हमारे पास नजर नहीं आ रही, बल्कि फ्रंटल, टेम्पोरल और कौन सी बोन नजर आ रही है, साथ ऑक्सीपिटल बोन नजर आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप आइडेंटिफाई करें तो आपको आस पास से इंडिकेशन ऑलरेडी सीटी स्कैन इटसेल्फ आपको दे रहा है। अच्छा जी, इसमें आप अगेन फ्रंटल बोन हो गई, यहाँ पे हमें साइनसेस नजर आ रहे हैं ये, ठीक है, उसके अलावा ये मेस्टॉइड एयर सेल्स हो गए, ये मेस्टॉइड एयर सेल्स हो गए, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो हमने पढ़ा था वो थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखते हैं ये अब आपके पास देते देखें जाइगोमेटिक बोन नजर आ रही है, ठीक है, और ये हमारे पास मैंडिबल कंडाइल है, और यहाँ पे ऐसे करके नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कम्प्लीटली मैंडिबल बोन भी नजर आ रही होगी। अब आप देखिए बेटा ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल के नीचे अगर मैं आपको कहती हूँ कि इस तरह से इस व्यू के अंदर एक बोन पड़ी हुई है बिल्कुल ओब्लिक वे में, तो आप देखिए जो हमारे जाइगोमेटिक बोन अगर अपने आप इस वक्त फेस पे हाथ लगा के देखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे बिल्कुल ऑर्बिट के नीचे जो बोन पड़ी हुई है, ठीक है, वो कौन सी बोन आ गई है, जो एक शार्प बोन पड़ी हुई है वो जाइगोमेटिक बोन है, ठीक है। आपको पता है जाइगोमेटिक मसल जो है वो हमारे स्माइल में जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो ये आप स्माइल करते हैं तो मेजर मसल जो आपका होता है ये जाइगोमेटिक होता है, ठीक है, और इसके नीचे जो बोन है वो जाइगोमेटिक बोन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया जाइगोमेटिक बोन जो है इसका भी फ्रैक्चर हो जाता है। आपको बस जो थोड़े से जो इम्पोर्टेंट है कि फ्रंटल बोन कहाँ पे है, ठीक है, फिर आपको टेम्पोरल बोन जहाँ पे मेस्टॉइड आएंगे वहाँ आपको साथ टेम्पोरल नजर आ जाएगी, ठीक है, ऑर्बिट्स के साथ अगर आपको इस तरह से ओब्लिक वे में नजर आ रही है तो दिस इज द जाइगोमेटिक बोन। अच्छा, मैंडिबल आई थिंक यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, मैंडिबल बोन भी हमें थोड़ा सा क्लियर इसका नजर आता है व्यू, ठीक है, वो आपको इस तरह से इधर नजर आएगी, ठीक है। एनी वेज अगर आपको जाइगोमेटिक ऑर्बिटल्स के साथ यहाँ जाइगोमेटिक बोन और उसके बाद नीचे अगर कोई बोन है तो बेसिकली आपकी मैंडिबल बोन, ठीक है। ये ऑडोनटॉइड प्रोसेस भी वैसे तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको जो है वो C1 नजर आ रहा है और C1 के साथ आपको पता है ऑडोनटॉइड प्रोसेस होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो हैंगमैन फ्रैक्चर या हैंगमैन फ्रैक्चर का शायद आपने नाम सुना होगा, ठीक है, कि जो लटक जाते हैं पंखे के साथ या जो खुदकुशी करने के लिए, सुसाइड करने के लिए आप लटकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो बोन होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, ये जो ऑडोनटॉइड प्रोसेस होता है इसका फ्रैक्चर हो जाता है, और एट द सेम टाइम आपके जो ब्रेन है उसकी डेथ हो जाती है और पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑडोनटॉइड प्रोसेस C1 को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ये आप सब ना भी करें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड फिर जैसे मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो टेम्पोरल बोन को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ से आप उसको आपको एक क्लू मिल जाएगा कि ये क्लू है, यहाँ से हमारे पास ये टेम्पोरल बोन अटैच हुई है, ठीक है। तो इस तरह से क्लूज के साथ साथ आप याद करें और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, और ज्यादा आपको इसी से रिलेटेड हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो हमें मिल रहे होते हैं, ठीक है। ओके, देन फोरामिना एट द बेस ऑफ द स्कल,
ठीक है जी। अब आपने बेस ऑफ द स्कल भी पढ़ा होगा, अब हमारे पास कौन से फॉर्मिनल्स हैं इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, कैरोटिड कैनाल, आप लोगों ने आई डोंट नो इस लेवल इस तरह से स्कल पढ़ा हुआ है, स्कल को इस लेवल पे इस तरह से आपने पढ़ा हुआ है, जो मॉडल्स हमारे पास पढ़े हुए हैं उसको। मैम स्कल तो पढ़ा था लेकिन इतनी डिटेल नहीं पढ़ी थी हमने। यस मैम, इस तरह क्रॉस सेक्शन करते हैं, मतलब पढ़ाया जो बेसिक चीजें थी ना निकाल दिया आपके लिए। एनीवेज ठीक है, अब जितना अब तक मैंने पढ़ाया है बेटा, वैसे तो आपको इस लेवल पे इतना पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो उसके बाद तो नहीं आपके पास कोई भी वो रहेगा ना कि हमने अब पढ़ना है या क्या करना है। तो थोड़ा सा खुद से भी ट्राई किया करें चीजों को एक्सप्लोर करने की, बॉडी को एक्सप्लोर करने की, वो जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एनीवेज हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। ठीक है, ये स्कल स्ट्रक्चर बेटा जैसे भी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट बोन्स हैं और उनका आपको आइडिया होना चाहिए। अब आपको पता है इसमें हमें बोन नजर आ रही है, वेरी क्लियरली बोन विंडो है। ठीक है, इस तरह से आपको स्कल फ्रैक्चर जो है वो नजर आ सकता है। ठीक है, अभी मैंने शुरू में आपको एक दिखाई थी ना, ये वाली दिखाई थी। ठीक है, इसमें कहीं आपको कोई फ्रैक्चर नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है यहाँ पे। अगर कोई तरह से आप प्लेन सॉरी ये प्लेन कौन सा है? ये बेटा आपके पास एक्सियल प्लेन है। ओके ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नजर आ रही होगी स्कल बोन का फ्रैक्चर। ठीक है, कहीं भी होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ ये कौन सी बोन है, तो ये हमारे पास फ्रंटल बोन है, इसका फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, इसी तरह से इस लेवल पे होता तो हमारे पास टेम्पोरल होती, अगर यहाँ पे हुआ होता तो वो ऑक्सिपिटल बोन। अच्छा, उसके बाद बच्चों हेमाटोमास आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके लिए भी अब आपको पता है कि हमारे पास जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं मेनिंजियल लेयर्स हैं। ठीक है, अब उस पर तो नहीं हम जाते, आपको पता ही है ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरिथ्राइट मैटर का। ठीक है, तो उसी लेवल पे हमारे पास सब ड्यूरल एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमास को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है वो आता है आपके पास इस तरह से क्रिसेंट शेप होता है। ठीक है, सब ड्यूरल हेमाटोमा आपको इस तरह से क्रिसेंट शेप नजर आएगा और वो सब ड्यूरल लेवल पे ही नजर आएगा आपको। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ड्यूरल होता है, ठीक है, जो कि ड्यूरा मैटर से बाहर होगा, ठीक है, वो आपको किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से कन्वेक्स शेप या इसको हम कहते हैं लेंस शेप का नजर आएगा। ठीक है, बड़ा इजी हो जाएगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ये आपको क्रिसेंट शेप नजर आ रहा है, दिस इज सबड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, जो कि ड्यूरा मैटर से इनसाइड है, जो कि आउटसाइड है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, वो आपको कन्वेक्स या फिर लेंस शेप का जो है नजर आता है। ठीक है, अच्छा जी, फोरामेन ओवेल तो आई थिंक बच्चों बड़ा कॉमन होता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, फोरामेन ओवेल, सॉरी फोरामेन ओवेल यहाँ से क्या पास कर रहा होता है बताएं, फोरामेन ओवेल से क्या पास कर रहा होता है बच्चे? फेशियन नर्व, फेशियन नर्व पढ़ के आना है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे खुद बताएंगे कि मैम फोरामेन ओवेल से जो है वो ये पास कर रहा होता है। अब आप लोगों ने ये खुद से पढ़ के आना। अच्छा जी, उसके बाद कैरोटिड कैनाल। ठीक है जी, अब कैरोटिड कैनाल से क्या पास कर रहा होता है ये भी आपने पढ़ के आना है। ये दो पॉइंट्स बस मैं नहीं निकाल रही हूँ उस साइड में से। ठीक है, फोरामेन ओवेल और कैरोटिड कैनाल, इनसे क्या पास कर रही होते हैं, कौन सा कोई आर्टरी पास कर रही है, कोई वेन पास कर रही है, क्या स्ट्रक्चर यहाँ से पास कर रहा होता है, ये आपने खुद से देख के आना है। आप नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मुझे बताइएगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों इन्फेक्शन आ गए। इन्फेक्शन क्या होता है, कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से बताएं, टाइम खत्म होने वाला लेक्चर का। इन्फेक्शन क्या होता है बेटा, कोई ह्यूमन एरर या फिर कोई मशीन का एरर हो, या फिर मतलब आप पेशेंट आए आपके पास तो उन्होंने कोई ज्वेलरी पहनी जिसकी वजह से आपका एक्सरे ठीक नहीं आता। सॉरी मैम, बेटा मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया आपने क्या बताया। मैम ह्यूमन एरर या फिर मशीन का एरर होगा कोई भी, या फिर जो आपके पास पेशेंट आया उसने ज्वेलरी अगर पहनी हुई है तो वो उसकी वजह से एक्सरे जो है ठीक नहीं नजर आएगा हमें। बेटा इन्फेक्शन, 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 इन्फेक्शन ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है ब्रेन टिश्यू में। ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है इसलिए ब्रेन टिश्यू का डैमेज हो जाता है। बिल्कुल, ये कौन सा बच्चा कह रहा था कि एक्सरे वाला, एक्सरे का आर्टिफैक्ट वो यस मैम वो मैं मिक्स हो गया दोनों, सॉरी मुझे तो एक मिनट में चक्कर ही आ गया कि आपने ये सॉरी मैम सॉरी वो मुझे नहीं पता चला। बेटा जी इस तरह के ब्लंडर ना किया करें आप लोग, टीचर को तो बड़े परेशान कर देते हैं आप।
वो आर्टिफैक्ट था, ये है इंफॉक्शन. हम लोग बड़ा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इंफॉक्शन हो गया, ब्रेन में इंफॉक्शन हो गया, ठीक है. तो इंफॉक्शन और हेमरेज, अच्छा हेमरेज क्या होता है चले बताए. ब्लड लॉस, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन टिश्यू. देखिए बेटा हेमरेज होता है, ब्लीडिंग हो गई है, कई आर्टरी रप्चर हो गई है, ठीक है, वहां पे ब्लड ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, दैट इज हेमरेज, कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है. इन्फेक्शन क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो किसी तरह से भी नैरो हो गई है, कोई आर्टरी ब्लड आर्टरी जो है ब्लॉक हो गई है या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं जा रही. तो जब ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, उसका नेक्रोसिस हो जाता है, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन, ठीक है. अच्छा अब आपको पता है कि हमारे पास इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज मेजर होती है जो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है. डिपेंड करता है, अब आपको ये भी पता होगा कि इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कितने एरिया को सप्लाई कर रही होती है, पोस्टीरियर कितने एरिया को सप्लाई कर रही होती है और मिडल कितने एरिया को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है. तो हमारे पास जो है वो एक तो आपको ये याद रखना है कि जो इन्फेक्शन होगा वो आपको हाइपर डेंस नजर आएगा, ठीक है, डार्क नजर आएगा, ठीक है. तो डार्क एरिया नजर आ रहा है, अगर इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगी तो आपको इस रीजन में नजर आ रहा होगा, मिडल सेरेब्रल आर्टरी होगी तो आपको मिडल ऑफ द ब्रेन के पार्ट में नजर आ रहा होगा, और अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगी तो आपको जो है वो ऑक्सीपिटल लोब के पास इस तरह से हाइपर डेंस एरिया जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है जी. तो ये हमारे पास सेरेब्रल इन्फेक्शन आपको दिखा के पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सेरेब्रल इन्फेक्शन है, ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इसीलिए ये कौन सा पार्ट है, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा ये क्या है, जल्दी से बताएं, शाबाश बॉयज में से बताएं, बॉयज में से ये क्या है बेटा, बॉयज सो रहे हैं आप लोग, फरहाद हसन जी मैम बेटा ये कौन सा एरिया है, ये वाला अभी मैंने आपको बहुत दफा याद कराया, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला, ये जो दो है हमें नजर आ रहे हैं, व्हाट इज दिस बेटा, आपको नहीं समझ आ रही फरहाद, रिस्पॉन्स तो करें बच्चे जी. बिलाल, बिलाल मोहम्मद बिलाल बेटा जल्दी से अनम्यूट करें, शाबाश, मुझे बताएं ये कौन सा पार्ट है, सॉरी ये वाला रीजन पूछ रही हूँ बेटा, ये क्या है, ये हमें क्या नजर आ रहा है, ये तो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ ये क्या रीजन है, अभी हमने साइंस में पढ़ा है कि ये कौन सा एरिया है, अभी मैंने आपको याद करवाया है, गर्ल्स में से बताएं कोई भी जल्दी से, शाबाश हैंड रेज करके. मैम लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, शाबाश, बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, हाय बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, कौन से बच्चे ने कहा है, मैम मैंने भी कहा है, अभी बेटा मैंने आपको याद कराया कि बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल आपको इस तरह से एक्सपोज्ड और एक लार्ज एरिया नजर आएगा, और जो एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल है वो आपको इस तरह का नजर आएगा, ठीक है, छोटा सा नजर आएगा. एनीवेज अच्छा जी हाइपरटेंस, अच्छा जी ये हो गया था हाइपरटेंस एरिया, मैंने आपको बता दिया नजर आएगा आपको, ओके. इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी इन्फार्क्ट, अगर कहीं इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज है तो वो आपको इस तरह से कहीं भी हाइपरटेंस एरिया जो है वो सेरेब्रम के अंदर नजर आ सकता है, ठीक है. तो ये अब आपने याद रखना है तीनों इन्फेक्शंस. अच्छा उसके बाद बच्चों अच्छा इंट्रापेरेंटाइमल हेमरेज एनकुटामिन ग्लोबस पैलेटम एनकुटामिन के अंदर अगर हमें जो है वो नजर आ रहा है हेमरेज तो वो आपको इस लेवल पे नजर आएगा. अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ग्लोबस पैलेटम एनकुटामिन था, ठीक है, यहाँ पे हेमरेज नजर आ सकता है. सब एरेक्नॉइड हेमरेज हाइपरटेंसिटीज इन सेल्वियन फिशर बेसल सिस्टम. अच्छा नहीं ये आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इस पिक्चर को रहने दें, बट इंट्रापेरेंटाइमल हेमरेज जो है वो आपने याद रखना. अच्छा उसके बाद आ जाता है बच्चों हाइड्रोसेफलस. हाइड्रोसेफलस में आपको पता है क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं हमारी वो सारी क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो रही होती हैं, तो हमारे पास सीएसएफ फ्लूइड जो है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है बहुत ज्यादा ब्रेन के अंदर, ठीक है. तो हमें इतना ज्यादा, अभी मैंने आपको बताया था सीएसएफ और एयर हमें नजर आएगी किस तरह की, डार्क नजर आएगी, ठीक है. तो ये हमें इतना ज्यादा डार्क एरिया अगर आपको नजर आ रहा है स्प्रेड हुआ हुआ, ठीक है जी, तो उसका मतलब है वेंट्रिकल ब्लॉक हुई हुई है और सारा सीएसएफ की एक्युमुलेशन ब्रेन के अंदर हुई हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोसेफलस. सबड्यूरल इफ्यूजन, ठीक है, इफ्यूजन में आपको पता है कि सिंपल थोड़ा सा आपको वहां पे कोई भी फ्लूइड जो है वो एक्युमुलेट हुआ होगा तो वो आपको इस तरह से नजर आएगा,
ठीक है, अगेन फ्लूड है तो आपको डार्क या हाइपरटेंस नजर आएगा. ओके, देन आ जाता है एक्यूट इन्फार्क्ट. ठीक है, एक्यूट इन्फार्क्ट बच्चों अब याद थोड़ा सा रखना है आपने, कि अगर मैं आपको कोई इस तरह की पिक्चर दिखाऊं और मैं पूछूं कि बेटा यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है या क्या हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे. देखिए ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपको कोई भी सल्काय गायरा नॉर्मल नजर आ रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सल्काय एंड गायरा हमें नजर नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो जहाँ पे सल्काय और गायराय क्लियर नहीं होना शुरू होते, ठीक है, वहां पे वो इनका इमेज ब्लर होना शुरू हो जाता है, हमें इस तरह का नजर आता है इमेज, वहां हम कहते हैं कि एक्यूट इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है. ठीक है, और एरिया जो है वो ऐसा है सब यहाँ पे टिश्यू नेक्रोस्ड हो जाएगा. जब वो नेक्रोस्ड हो जाएगा तो फिर हमें अल्टीमेटली इस तरह का इमेज जो है हाइपरटेंस इमेज नजर आ जाएगा. ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है कि अगर आपको कोई इस तरह का इमेज नजर आ रहा है जहाँ एक साइड पे सरकाया जा रहा है पूरे ब्रेन में नॉर्मल है, बट एक साइड पे जो है वो क्या हो रहे हैं, वो मर्ज होना शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है और अब यहाँ पे टिश्यूज में आहिस्ता आहिस्ता नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा. ओके बच्चों, उसके अलावा टाइप्स ऑफ द ब्रेन हेमरेज, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि सेरेब्रल आर्टरी इन्फार्क्ट थे, ये आप सब पढ़ चुके हैं. एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमरेज या एपिड्यूरल हेमाटोमा, सब एरेक्नाइड हेमरेज और इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज. ठीक है, ये आपको पता है बच्चों, जो हमारी मेनिंजियल लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड मैटर है, पाया मैटर है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको जो है वो कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं या उसको नेम दे रहे होते हैं. इतना तो आप लोगों को पता है ना कि इसको हम, ये भी नहीं पता लेयर्स का पता है ना ब्रेन की, पता है मैम. यस मैम. अच्छा बच्चों, अब इस तरह की भी मैं आपको इमेज दिखाते जो है वो पूछ सकती हूँ. ठीक है, जैसे ये इंट्रा पैरेन्काइमल जो है वो हेमरेज है हमारे पास. ठीक है, और एक चीज बच्चों आपने नोट की होगी कि जहां मैंने आपको दिखाया था इन्फेक्शन, ठीक है, वो हमें किस तरह का नजर आ रहा था, डार्क इस तरह से ब्लैक कलर का नजर आ रहा था. ठीक है, क्योंकि टिश्यू की डेथ हो चुकी है वहां पे. अब जहां पे आपको हेमरेज नजर आएगा वो आपको इस तरह से जो है वो व्हाइट कलर का नजर आएगा. ओके, अच्छा, अब एक्यूट सडन ऑनसेट ऑफ द हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, इनसाइड ऑफ द ब्रेन, ये आपको, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइड है जिसमें मैं आपको बताऊँ कि बच्चों आपसे मैं इस तरह से पूछ सकती हूँ. देखिए ये पैरेन्काइमल एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह से व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, कलेक्शन. तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ सिनेरियो बना के, कि एक पेशेंट आपके पास आया है एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक के साथ, वॉमिट एंड नोजिया के साथ, ठीक है, और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, तो आप जो है ये पिक्चर हमें सीटी कराया तो ये पिक्चर हमारे पास आई है, तो इसको डायग्नोज करें और बताएं कि आपको सीटी के अंदर और क्या क्या नजर आ, ठीक है, तो आप बताएंगे कि जी ये इंट्रापैरेन्काइमल हेमरेज है और इसके अंदर हमें और जो है वो नजर आ रहा है, सल्काय गायरा नजर आ रहे हैं, ये सेरेब्रल साइनस नजर आ रहा है, ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है, ये कोरोइड टैक्सिस है. ठीक है, इसी तरह से फिर मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, ये वेंट्रिकल्स थी, अभी मैंने आपको बताया ये बॉडी ऑफ वेंट्रिकल थी, इसके अंदर हमारे पास सेक्शन जो नजर आ रही है दिस इज द इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज. ठीक है, अगेन मैं इस तरह से आपको सिनेरियो दे के तो आपसे पूछ सकती हूँ. ठीक है, साथ इमेज में आपको अटैच करूंगी. फिर सब एरेक्नाइड हेमरेज, ठीक है, देन सब ड्यूरल हेमरेज, अभी मैंने आपको बताया था सब ड्यूरल हेमरेज हमारे पास किस तरह का होता है, क्रिसेंट शेप्ड होता है. ठीक है, फिर एपिड्यूरल हेमरेज में पूछ सकती हूँ सिनेरियो बना के, तो वो हमारे पास किस तरह का इमेज आएगा, लेंस या फिर आपके पास कन्वेक्स शेप जो है वो हेमरेज होगा. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप ये इमेजेस देखेंगे तो आपको डायग्नोसिस बनाना आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है बच्चों, ये भी अगेन मैंने डिफरेंट जो है वो उनको साइसेस को सेपरेट कर दिया ताकि आपको पता चल जाए, सबड्यूरल हेमरेज है, ठीक है, क्रिसेंट शेप का एपिड्यूरल हेमरेज है, ठीक है, लेंस शेप है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज आपको जो बीच में नजर आ रहा होगा, वेंट्रिकल के अंदर कहीं आपको कुछ नजर आ रहा है कलेक्शन, दैट इज इंट्रावेंट्रिकुलर. ठीक है, इंट्रापैरेन्काइमल हेमरेज आ सकता है या आपको सिंपल इस तरह का इमेज शो हो सकता है. ठीक है, तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. और आई थिंक दिस इज ओके. अच्छा, आप एक जो है वो कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि हमारे पास जो हेमरेज नजर आता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है क्या हमारे पास हाइपरटेंस नजर आ रहा, आपको व्हाइट कलर का कलेक्शन नजर आ रही होगी. ठीक है, पर कुछ स्टडीज कहती हैं कि अगर एक्यूट कंडीशन है तो हमारे पास हाइपरटेंस आएगा, सब एक्यूट है तो वो आपको आइसोडेंस नजर आ सकता है. ठीक है, और अगर क्रोनिक है तो वो आपको हाइपोडेंस नजर आ सकता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टडीज हैं जो कि डिफरेंट उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, ये आप याद जरूर रखें कि ब्रेन हेमरेजेस की सीटी स्कैन पे कितनी स्टेजेस हो सकती हैं और उन स्टेजेस में वो किस तरह का नजर आ सकता है. बट मैं आपसे बहुत ज्यादा इस लेवल पे नहीं पूछूंगी, मैं आपसे इसी तरह के इमेजेस और इन इमेजेस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करूंगी. ठीक है,
क्योंकि आपके लेवल तक अगर आप इतना भी जो है वो ग्रैब कर लें तो आई थिंक इट्स क्वाइट एनफ। ठीक है बच्चों, तो ये आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको डिफरेंट या मुश्किल जरूर लगा होगा, बट अगेन मैं यही कहूंगी जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे हमने फील्ड ऑफ विजन में पढ़ा था पेरिफेरल रीजन में, इसी तरह से आप ब्रेन को भी ये उसका जो सेंट्रल सेक्शन है ब्रेन का, ठीक है, वो आप याद रखें माइंड में और उस लेवल के ऊपर खुद ही से सोचते जाएं कि अगर हम आते जाएं तो हमें कौन कौन से जो सेक्शन है वो नजर आएंगे, और हाइपोडेंस और हाइपरडेंस वाला जो पॉइंट है वो आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग ये पढ़ के आइएगा, कुछ नहीं होगा क्लियर तो वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर। मैम स्लाइस जो स्लाइसिस है उसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास प्लेन व्यू होगा, जैसे जो आपने जो पहले दिखाया आपने वहां पे जो प्लेन व्यूज बने हमारे, आपको क्वेश्चन आवाज नहीं आ सही समझ में आ रही दोबारा सुनिए, डायग्नोस करने के लिए हमारे पास प्लेन व्यू होगा जैसे कि आपने पहले दिखाया है ना प्लेन व्यू नोस, आप मुझे बेटा चैट बॉक्स में आप चैट से थोड़ा तेज बोल रहे हैं, किसी और स्टूडेंट को उनका क्वेश्चन सही समझ आ रहा है, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही तो मुझे प्लीज बता दें। मैम कह रहे हैं कि जब आप डायग्राम डायग्नोस करने के लिए देंगी तो आप प्लेन जो व्यू है वो भी साथ में मतलब देंगी। अच्छा ये पूछ रहे हैं आप, नहीं बच्चे व्यू तो नहीं मैं आपको दूंगी, व्यू में तो ये हो सकता है मैं एक आध में शेयर कर दूं, ठीक है, बट यूजली व्यू दिया नहीं जाता, ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आपने व्यू माइंड में रख के तो खुद से लेबलिंग करनी है। ठीक है, जो हमारे पास सेजिटल व्यू में आपको दिखा रही हूँ ना वो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि सेजिटल व्यू में हमने अगर इमेज लिया है इस साइज के लेवल पे तो हमें क्या क्या मिलेगा, इस साइज के लेवल में लिया तो क्या मिलेगा। ठीक है, आप देखिए बेटा जब आप सीटी देखते हैं हॉस्पिटल्स में तो तब तो नहीं आपको तो सेजिटल व्यू नजर आ रहा होता ना साथ पेशेंट का, ठीक है ना, तो वहां तो आपने इस तरह डायग्नोज नहीं करना होगा, तो इसलिए मैं आपको सेजिटल व्यू में एक आध में हो सकता है मैं आपको दिखा दूँ, बट अगर आपका रिटर्न पेपर होगा या स्टेरियो बेस्ड होगा तो उसमें आपको सेजिटल व्यू नजर नहीं आएगा। ठीक है, स्पॉटिंग में आपको सेजिटल व्यू दिखाया जा सकता है लेकिन रिटर्न पेपर में आपको जो है वो सेजिटल व्यू नहीं दिखाया जाता। अच्छा बच्चों, अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक, तो मुझे जो है वो एक अनाउंसमेंट करनी थी कि आप लोगों ने वैसे तो काफी बच्चे क्लास लीव कर चुके हैं, आपकी असाइनमेंट मैंने दी है जो कि आपने मुझे सबमिट करानी होगी 11 जून को। ठीक है, उसके अंदर आपने बच्चों करना क्या है कि आपने अपर लिम से एक जॉइंट, ठीक है, लोअर लिम से एक जॉइंट जो है एक्सरे लेना है। ठीक है, एक्सरे आपने नॉर्मल एक्सरे बेसिकली जो है वो लेना है, अपर लिम और लोअर लिम का एक नॉर्मल एक्सरे लेना है। ठीक है, कोई भी जॉइंट लेना है जैसे शोल्डर का एक नॉर्मल एक्सरे लें, उसको गूगल से डाउनलोड करें और उसके आपने अपने पेन से जो है उसकी लेबलिंग करनी है। ठीक है, उसको स्कैन करें या फिर आप मुझे स्कैन करके भेज देंगे तो आई थिंक ज्यादा जो है वो ठीक हो जाएगा, अगर यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो फिर हम हार्ड उसकी सबमिशन कर लेंगे बाय हैंड सबमिशन। मैं किसी भी एक पार्ट का लेना है अपर लिम से और लोअर लिम से, किसी भी एक पार्ट का एक्सरे। मैं आपको अभी कंप्लीट बताती हूँ, देखिए एक आपने जॉइंट लेना है अपर लिम का, ठीक है, एक जॉइंट लेना है आपने लोअर लिम का, ठीक हो गया, ओके सही है। अच्छा उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये एक एक जॉइंट हो गया अपर लोअर लिम का, थर्ड जो पेज होगा आपका उसमें आपने क्या करना है कि एक चेस्ट का एक्सरे लेना है। आपको याद होगा मैंने चेस्ट एक्सरे पढ़ाया था आपको, ठीक है, वो चेस्ट एक्सरे इस तरह से आपने गूगल से उसका एक नॉर्मल इमेज जो है वो निकाल लेना है, एक्सरे का इमेज, ठीक है, और उस एक्सरे इमेज को आपने जिस तरह से मैंने आपको नॉर्मल एक एक्सरे की लेबलिंग बताई थी कि हमें यहाँ पे जो है वो हेमिस्फीयर नजर आ रहा है और सॉरी हेमिडायफ्राम नजर आ रहा है, राइट लेफ्ट हेमिडायफ्राम है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमें हार्ट की प्रोजेक्शन नजर आ रही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि कार्डिया है दिस एंड दैट, वो सारा आपने उसके ऊपर मेंशन करना है। ठीक है, तो एक हो गया अपर लिम में से जॉइंट, एक हो गया लोअर लिम में से जॉइंट, ठीक है, थर्ड क्या हो गया आपने चेस्ट एक्सरे जो है उसकी लेबलिंग करनी है। ठीक है, और एक और बच्चे जो आपने काम करना है वो ये करना है कि कोई भी दो पैथोलॉजीज, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बोन हमें स्पाइन की स्ट्रेटनिंग नजर आ जाती है एक्सरे के ऊपर, हमें स्पर नजर आता है, हमें फ्रैक्चर नजर आता है, हमें बोन पोरस नजर आ जाती है, तो वो कोई भी आप यू आर फ्री टू डू दैट। ठीक है, कोई भी दो पैथोलॉजीज लें बोन्स की, ठीक है, कि वो एक्सरे के ऊपर हमें किस तरह की नजर आएंगे बोन्स की पैथोलॉजीज, और वो आपने एक्सरे की बोन की पैथोलॉजी निकालनी है एक्सरे की और उसको आपने मुझे लेबल करके जो है वो भेज देना है। बट मेक श्योर बेटा कि ऐसे ना हो कि पूरी क्लास ने ही बोन्स पर भेजा हुआ हो, ठीक है, पूरी क्लास ने ही जो है वो
जो है वो भेजा हुआ हो, बोन स्ट्रेटिंग भेजी हुई हो, ठीक है, आपने डिफरेंट करना है और जिस स्टूडेंट का डिफरेंट होगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपस में कॉपी ना करें, इसको आपने डिफरेंट रखना, ठीक है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 पेजेस की आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गए। एक अपर लिंब से जॉइंट, एक लोअर लिंब का जॉइंट, उसकी लेबलिंग एक्सरे की लेबलिंग, एक्सरे इमेज की, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की लेबलिंग करनी है, और दो कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस, बोनी पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो कि हमें एक्सरे के ऊपर नजर आती हैं, ठीक है, उसका आपने मुझे एक्सरे इमेज लेके लेबलिंग करके दीजिए, ठीक है बच्चों। और 11 जून तक जो है वो हमें इसकी सबमिशन करवानी है यूनिवर्सिटी। अगर आपकी 7 जून से ओपन हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे कि हम बाय हैंड सबमिशन कर लेंगे, या फिर देखते हैं जो भी क्राइटेरिया होगा, ना ही होगा तो फिर आप लोग मुझे LMS के ऊपर सबमिशन या गूगल फॉर्म पे सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको। लेकिन आपने बाय हैंड लेबलिंग करनी है उसकी, ठीक है मैम। प्रिंट्स निकलवाते, सॉरी प्रिंट्स निकलवा के लेबल करनी है, देखिए। हाँ जी बेटा बिल्कुल, प्रिंट निकलवा के ना, देखिए आप एक्सरे का एक इमेज लेंगे, गूगल पे जाके एक्सरे के लिखेंगे ना शोल्डर एक्सरे इमेज, वो इमेज आ जाएगा, उस इमेज का आपने निकलवाना है प्रिंट, उस प्रिंट को आप लेबल करें, उसको स्कैन करें और फिर मुझे भेज दें, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। अब काफी सारे बच्चों ने क्लास लीव कर दी है, जो कि आई डोंट वांट कि आप लोग इस तरह से क्लास लीव कर दें, बट आई थिंक आपका दूसरी क्लास शुरू हो गई होगी, तो मैम व्हाट्सएप ग्रुप है बता देंगे मैं आपको, बच्चे डिटेल अभी जो है वो LMS पे भी कर देती हूँ, मेल भी कर देती हूँ, ठीक है। ओरिजिनल एक्सरे नहीं बेटा, गूगल इमेज से एक्सरे लेना है आपने, ठीक है। फाइव पेजेस की आपकी ये असाइनमेंट है, जिसमें आपने फर्स्ट पेज पे कोई भी अपर लिंब का जॉइंट का एक्सरे लेना है, नॉर्मल एक्सरे, उसको लेबल कर देना है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे स्कैपुला नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें जो है वो ह्यूमरस नजर आ रही है, नजर आ रहा है। इसी तरह से लोअर लिंब का कोई भी एक जॉइंट लेना है आपने, नॉर्मल एक्सरे इमेज, उसको लेबल करना है, ठीक है। इस तरह में आपने फिर चेस्ट एक्सरे नॉर्मल लेना है और उसको लेबल करना है, ये 3 पेजेस हो गए। फोर्थ पेज पे आपने कोई भी अपर या लोअर लिंब में से एक्सरे पैथोलॉजी जो है वो लेनी है, ठीक है, उसको लेबल करके मुझे भेज देना है, ठीक है। इन सब में आप इमेजेस लोगे गूगल से, और गूगल के इमेजेस को फिर आप जो है वो क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकलवाएंगे, उस प्रिंट आउट निकालवा के उसके आप लोग पर लेबल करोगे पेन से, उसका स्कैन करेंगे और फिर मुझे सबमिट करवाएंगे, ठीक है। 11th जून इज द लास्ट डेट, जी बच्चे आप बताएं। मैम जो एक्सरे पैथोलॉजी लेनी है वो हम अपर या लोअर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं? जी जी बेटा, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और कोशिश करेंगे जरा मुझे थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए, क्योंकि आप बच्चे जो है वो आपस में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जी सारे बच्चे लाइन में एक ही भेज देते हैं, तो इस तरह बच्चे ना करें, बिकॉज आई थिंक फिर आपको, मेरा पर्पस है कि जो आपको बातें समझ में आए वो आपको नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस तरह नहीं आपने करना, आपने जो है वो मुझे डिफरेंट भेजना है सबने, ओके, क्लियर है बच्चों। मैम पैथोलॉजी में हमने बस सिर्फ यही बताना है ना कि लाइक एक हमारे पास नी जॉइंट है, तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक पेशेंट आ जाता है, तो बस इसमें यही बताएंगे ना कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये वाला ग्रेड है, इसके अलावा तो नहीं फर्दर बताना? नहीं बेटा देखिए, मैंने आप याद करें जब आपको पढ़ाया था नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो मैंने आपको बताया नहीं था कि कौन कौन सी चेंजेस आएंगी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, बताएं जरा कौन सी चेंजेस बताई थी मैंने? मैम वो डीजनरेटिव चेंजेस। हां जी, वो डीजनरेटिव चेंजेस ही ना। डायग्नोसिस भी आपने साथ वहाँ मेंशन करना है कि मैं मुझे ये नजर आया है, और उसके अंदर फिर मुझे स्पेसिस कम होती हुई नजर आई है, ठीक है, फिर मुझे इसके अंदर जो है वो स्पर बना नजर आया है, ठीक है, सेटलरोसिस हुआ हुआ नजर आया है, जो 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 चीजें वो आपने वहाँ पे मेंशन करते हैं। आप लोगों को बेटा मैंने एक एक्सरे पैथोलॉजीज वाला लेक्चर पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, उस लेक्चर से थोड़ी हेल्प ले लीजिएगा, वहां से आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप लोग मुझे मेल भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मेल भी पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कोई बात नहीं समझ आई ना मुझे मेल कर दीजिएगा। मैम अभी जिनका ओरल वाइवा है वो क्लास में स्टे करें या फिर कोई और लिंक है ज्वाइन करने के लिए? हाँ जी वो यहीं पे स्टे करें, पर्याल है कि यस मैम,
प्रयाल थी, आयशा बंदे हबीब थी, राबिया मैम हम लीव कर दें, बाकी सारी क्लास लीव कर दें। थैंक यू बच्चों, बच्चों पढ़ के आना है। जी मैम ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। मैंने ब्रेक आउट रूम भी नहीं देखा। बेटा रेस्ट ऑफ द क्लास लीव कर दे। मैम मैंने पूछना था कि वो आपने, मेरा भी ओरल क्वेस्ट ओरल वाइवा का ही था इशू, तो उसमें आपने कहा था कि अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट भी अगर सही सुनाए हैं तो फिर भी मैंने आपको मार्क्स दिए हैं, तो मेरे से तकरीबन 4 के 4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड ही थे, स्लाइड वाले नहीं थे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं सही सुना रही हूँ या नहीं। मैंने अपना कॉन्सेप्ट ही सुनाया था आपको, तो उसमें 4.5 दिए हैं आपने, तो अब मुझे नहीं पता कि अब मैं दोबारा वाइवा दूँ या ना दूँ, क्योंकि 4.5 इज आई थिंक इनफ है। तो अब आप बता दें, स्टूडेंट्स जिनको ऐसे लग रहा था कि मैंने आउट ऑफ कंटेंट था, बट उन्होंने कुछ जो आज मुझे आंसर किया था उसको मैंने जो है वो कंसीडर किया था। ठीक है, यस मैम, तो मैं दूं कि ना दूं, क्योंकि वो हार्ड वाला क्वेश्चन था, उसका 0.5 कटा हुआ है बस। हाँ जी ठीक है, बस आप के रहने दें, इसलिए ना अभी कट जाए पुराने भी। ओके मैम ठीक है, अक्सर लियाकत बेटा आप लीव, बाकी स्टूडेंट्स लीव कर दें बेटा। एक तो मैंने इसमें ना वेटिंग रूम जनरेट नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा, बाकी स्टूडेंट्स लीव कर दें बच्चे। बल्कि आप लोग ऐसा करें बच्चे, मैं ना एक लिंक शेयर करती हूँ, वो आप लोग ज्वाइन करें, बस ये लिंक हमें रेस्ट ऑफ द क्लास के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूँ, तो आप लोग वो जो है ना ज्वाइन कर। फरियाल आफ्ताब बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मैं शेयर करती हूँ, आप रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना उनके साथ शेयर करते हैं। ओके मैम, उसमें अक्सर लियाकत है, आई थिंक अक्सर लियाकत नहीं है, फरियाल है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।